जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे PQRS वाले क्वेश्चन के बारे में, जो सीडीएस एग्जाम में 2015 से लेकर के 2022 तक पूछे गए हैं। अभी ये फर्स्ट पार्ट है, दो पार्ट में ये वीडियो आएगी, ये आपको पहले से बता दे रहा हूँ। एक और बात, जो S1 और S6 वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनके बीच में आपको भरना होता है, जम्बल सेंटेंस कहते हैं, बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं, वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किए गए हैं। सिर्फ PQRS वाले क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं CDS1 2015 से। देखो, आप अलग अलग जाके पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि PQRS वाले क्वेश्चन को ट्रिक से करो, कोई कहेगा कि भाई ऑप्शन से करो, कोई कहेगा कि क्वेश्चन को फॉलो करवाओ, यानी सेंटेंस को फॉलो करवाओ कि कौन सा सेंटेंस उसको फॉलो कर रहा है उस तरीके से। सबसे अच्छा ये रहता है कि आप सारी चीजें सीखें और साथ ही साथ ये सीखें कि कहाँ पर किसका अच्छे से यूज किया किया जा सकता है। जहां पर ऑप्शन का यूज होगा वहां पर ऑप्शन का यूज करेंगे, है ना। एक चीज को लेकर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पर चीजें वैरी करती हैं, स्पेशली सीडीएस में। ठीक है, तो ये भी सीखेंगे कि कहाँ पर किसका यूज किस तरीके से किया जाए। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, क्योंकि समझाने में थोड़ा सा हो सकता है टाइम इसमें ज्यादा लग जाए, है ना। क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, कोई चीज कहाँ पर सुटेबल है वो पहले से बता पाना मुश्किल है ना। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, व्हेन द कार पास बाय, एक कार पास हुई है, ठीक है। आगे कहता है, ही थ्रू अ स्टोन राइजिंग डस्ट इन द रोड विद ऑल हिज माइट एंड हिट द मैन हु वॉज ड्राइविंग इट। अब यहाँ पर अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हो, और पूरी पूरी मीनिंग निकलते हुए दिख रही है, दिख रही है। तो बिल्कुल कह सकते हैं, एक कार पास हुई है, उसने पत्थर उठा के मारा है, ही थ्रू अ स्टोन, उसने पत्थर मारा है। राइजिंग डस्ट इन अ रोड, ये बोल सकते हो कि रोड पर मिट्टी उड़ी है। फिर आगे बता सकते हो, विद ऑल हिज माइट, यानी उसने पूरी ताकत से, विद ऑल हिज माइट एंड हिट द मैन, आदमी को मारा है, हु ड्राइव इट, जो उस कार को चला रहा था। बिल्कुल यहाँ पर चीजें निकल रही हैं। अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उसने पूरी ताकत से पत्थर उठा के मारा है। पी और आर, ये पूरा सेंटेंस बना रही है कहीं ना कहीं। ही थ्रू अ स्टोन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से उसने पत्थर मारा है, यानी पी और आर तो एक साथ आएगा ही आएगा। तो पी और आर कहाँ पर एक साथ आ रहा है? पी आर यहाँ पे आ रहा है एक साथ, और कहीं पर आ रहा है क्या? यहाँ पर तो आरपी आ रहा है, यानी ये नहीं होगा आरपी यहाँ पर, ये भी नहीं होगा पी आर, ये भी हो सकता है, लेकिन ये दूर आ रहा है थोड़ा, तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है, बट हो सकता है। बी ऑप्शन देखते हैं, क्यू पी आर एस, चलो ठीक है। व्हेन द कार पास बाय, जब कार पास होगी तो क्या होगा? रोड पे मिट्टी उठेगी, रोड पे मिट्टी उठेगी, यानी क्यू सबसे पहले होगा, रोड पे मिट्टी हुई, ये सेंटेंस किसको फॉलो कर रहा है? या फिर ये बोल सकते हैं, क्यू फॉलो कर रहा है इस सेंटेंस को, व्हेन द कार पास्ड बाय को, तो सबसे पहले तो क्यू आएगा, फिर उसके बाद जब मिट्टी उठी है, ही थ्रू अ स्टोन, उसने पत्थर उठाया, उसके बाद पत्थर उठाया, विद ऑल हिज माइट, पूरी ताकत से, एंड हिट। अब देख पा रहे हो कि यहां तक एक क्लॉज पूरा हो गया है ना। अब उस पे नहीं जाऊंगा कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उस पे भी आपको कंफ्यूजन होगी, इस पे तो और कंफ्यूजन है, उस पे लेके चला गया तो और कंफ्यूजन आएगी। तो ये इतना जानो कि यहां तक सेंटेंस खत्म हो गया, या फिर एक क्लॉज खत्म हो गया। व्हेन द कार पास बाय राइजिंग डस्ट इन द रोड, ही थ्रू अ स्टोन विद ऑल हिज माइट एंड हिट द मैन हु वाज ड्राइविंग इट। बिल्कुल यहाँ पर फॉलो चीज, सारी चीजें हो रही हैं, है ना। तो पी क्यू आर एस यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तो सबसे पहले बताने का तरीका ये है कि मैंने कोई एक सिंगल इस लाइन पे नहीं गया हूं, मैं कोई एक वे में नहीं गया हूं इसको सॉल्व करने के लिए। पहले मैंने क्या देखा? मैंने पहले पी आर वाला देखा, ठीक है। फिर दूसरी टाइम पे मैंने क्या देखा कि ये सेंटेंस किसको फॉलो कर रहा है, ये सेंटेंस इसको फॉलो कर रहा है, ये दूसरा तरीका देखा। तीसरा तरीका देखा कि एक क्लॉज खत्म हो गया है, ठीक है, ये तीसरा तरीका देखा। और चौथा, क्या दूसरा क्लॉज इसको साथ में जुड़ रहा है कोई कंजंक्शन के साथ? बिल्कुल जुड़ रहा है एंड के साथ। तो ये यही चीजें होती हैं इसको करने की, है ना। ऐसा कोई फिक्स तरीका नहीं कि बिल्कुल चलते चले जा रहे हैं, आपको बताते चले जा रहे हैं, आपके दिमाग में चलता चला जा रहा है। अगर आपके दिमाग में जा भी रहा है तो आप अपनी तरीके से नहीं कर पाओगे, जब आपके पास ये सारी ब्रह्मास्त्र चीजें नहीं होंगी, है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और किसमें आपका भला हो सकता है। ये कुछ और यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, जैसे यहाँ पर पास बाय का मतलब होता है कोई चीज बगल से निकली है, उसी तरीके से डिफरेंट फ्रेजल वर्ब लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर पास ऑन की बात करें तो पास ऑन का दो मतलब होते हैं, एक होता है इन्फॉर्मेशन को पास करना, एक दूसरा मीनिंग होता है इसका कि किसी को इग्नोर कर देना, उसने कुछ कहा उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। जैसे टू से नो टू समथिंग, यूजली एन इनविटेशन, जब किसी ने कुछ कहा तो उसको मना कर दिया, है ना।
उससे पास ऑन कर लिया। और भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। चलो भाई आगे चलते हैं। लिखा हुआ है, अ मोमेंट कम्स व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू न्यू, विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, एंड व्हेन द सोल ऑफ द नेशन लॉन्ग प्रेस्ड फाइंड अल्टरेंस। ठीक है, अल्टरेंस का मतलब क्या होता है? कोई पहले से कही जाने वाला वर्ड या फिर स्टेटमेंट या फिर कोई साउंड को ही हम अल्टरेंस कहते हैं। ठीक है, अभी देखो यहां पर क्या, द मूवमेंट कम्स, सिर्फ एक ही हमारे पास इतना ही है, इसी से शुरू करना है। अ मूवमेंट कम्स, सोचे यहां पर क्या हो सकता है, कौन सा सेंटेंस को फॉलो कर रहा है, या फिर कोई भी एक ऐसा दो सेंटेंस है जो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो, तो हमें दिख रहा है बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, जो आते हैं रेयरली इन हिस्ट्री, है ना, कब, व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, जब हम पुराने से नए की तरफ स्टेप आउट करते हैं, यानी हमें ये पता चल गया कि क्यू के बाद तो पी ही आएगा, पता चल गया क्यू के बाद पी आएगा, क्यू के बाद पी कहाँ नहीं आ रहा है, क्यू के बाद पी आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर पी क्यू ये नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता, क्यू के बाद पी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और क्यू के बाद पी आ रहा है, ये भी हो सकता है, यानी बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यानी एक चीज हमको यहां से एक और देखने को मिली कि भाई सेंटेंस जो है वो पी से शुरू तो नहीं होगा, या तो क्यू से शुरू होगा या तो फिर आर से शुरू होगा, ठीक है, पी से तो शुरू नहीं होगा। आई होप ये चीज क्लियर होगी। और देखो अगर क्यू से शुरू हो रहा है तो क्यू से ये चीज बिल्कुल आ रही है। अ मोमेंट कम्स एंड व्हेन द सोल ऑफ द नेशन, क्या आर से शुरू होगा? उतना लग नहीं रहा है आर से, क्यों? क्योंकि मूवमेंट की बात यहाँ भी की जा रही है, कम्स की यहाँ पे बात की जा रही है, और मूवमेंट कम्स की यहाँ पर भी बात की जा रही है, यानी जो अ मूवमेंट कम्स है उसको फॉलो किया जा रहा है क्यू के द्वारा, है ना, या फिर ये बोल सकते हैं क्यू फॉलो कर रहा है इसको, तो आर हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग नहीं देखेंगे, सबसे बाद में देखेंगे जब ये वाला चीज हमारा काम नहीं करेगी, कि अ मूवमेंट कम्स को फॉलो कर रहा है विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री। अगर क्यू सबसे पहले आएगा तो यानी ए और सी ऑप्शन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और क्यू को फॉलो कर रहा है पी, अगर पी फॉलो कर रहा है तो आप यहां पर यह भी देख पा रहे हो कि यहां पर भी एक क्लॉज कंप्लीट हो रहा है, हो रहा है कंप्लीट। अ मोमेंट कम्स विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू न्यू, फिर आगे यहां पर एंड लगा है, बिल्कुल एंड लगा है यहां पर, है ना, और आर को फॉलो कर रहा है एस, देखने से ही लग रहा है, व्हेन द सोल ऑफ द नेशन लॉन्ग प्रेस्ड फाइंड अल्टरेंस। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आर एस, तो हो जाएगा क्यू पी आर एस, क्यू पी आर एस आ रहा है, क्यू पी आर एस कहां पर आ रहा है, क्यू पी आर एस ए ऑप्शन में आ रहा है, तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन जो समझने का तरीका है उस पर फोकस करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लिखा हुआ है, शी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ दैट इनसाइड द बैग टू और थ्री अदर चिल्ड्रन देयर वर परहैप्स विच द बैग मैन कैरीड लाइक हर्षल। ठीक है, यहां पर तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो बैग है इसको स्पेसिफाई कौन कर रहा है, या फिर इसको क्लासिफाई कौन कर रहा है, बैग क्लासिफाई हो रहा है किसके द्वारा, विच द बिग मैन कैरीड, जो कि बिग मैन ने कैरी किया हुआ है। ठीक है, बैग किसने कैरी किया है, विच द बिग मैन कैरीड। आगे और एक चीज यहां पर और दिख रही है कि या तो सेंटेंस क्यू से शुरू होगा या तो फिर आर से शुरू होगा। ठीक है, क्यू से शुरू हो रहा है, बिल्कुल यहां पर क्यू से शुरू हो रहा है और आर से शुरू हो रहा है, और हमें यह भी दिख रहा है कि जो बैग है उसको क्लासिफाई कर रहा है ये आर, तो यानी आर वाला पहले आएगा, मैं पहले प्रियोरिटी दूंगा आर वाले को, है ना, सेंटेंस पहले तो आर से शुरू हो गया। ही, फिर से पढ़ते हैं, शी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ दैट इनसाइड द बैग विच द बिग मैन कैरीड, विच मैन कैरीड देयर वर परहैप्स टू और थ्री अदर चिल्ड्रन, बिल्कुल क्यू को फॉलो कर रहा है पी, तो क्यू को फॉलो कर रहा है पी, तो यहां पर हो गया क्यू और ये हो गया पी। देर वर परहैप्स, ये भी हो सकता है कि वहां पर देर वर थ्री अदर चिल्ड्रन, दो या तीन और चिल्ड्रन हो उसी के जैसे, लाइक हरसेल्फ, ये ऐसा हो गया, तो क्या आर क्यू पी एस दिखाई दे रहा है क्या कहीं पे, आर क्यू पी एस, बिल्कुल डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है, ही अप्रोच द टीचर एट स्कूल टू नो इन हिज स्टडी हाउ हिज सन वॉज गेटिंग ऑन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे
या तो सेंटेंस पी से शुरू होगा या तो क्यू से शुरू होगा, और हमें ये दिख रहा है तो पी से तो कतई नहीं शुरू होगा, अगर शुरू भी होगा तो इसको लास्ट में देखेंगे, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है कि एट स्कूल सबसे बीच में हो, ये अप्रोच द टीचर एट स्कूल पर नहीं हो सकता, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। यानी पी वाले को तो हम पहले काट दे रहे हैं, इसको बाद में देखेंगे, वहां पर मत काट देना पेन से कि बाद में कंफ्यूज हो जाए कि लिखा क्या था पीछे, ऐसे थोड़ा सा कटिंग इस तरीके से लगा देना। ही अप्रोच द टीचर, उसने अप्रोच किया टीचर को क्या करने के लिए, टू नो, बिल्कुल क्यू से शुरू हो रहा है, टू नो क्या जानने के लिए, हाउ हिज सन वॉज गेटिंग ऑन, उस जो उसका सन है उसके क्या हाल चाल है, उसका क्या हिसाब किताब है, गेटिंग ऑन का मतलब क्या इसका हिसाब किताब है, क्या चल रहा है, इन हिज स्टडी, एस को कौन फॉलो कर रहा है, आर। अब ये समझ पा रहे हो कि मैं फॉलो किस सेंस में बोल रहा हूँ, कि एस के बाद क्या आना चाहिए, इन आर आना चाहिए, यानी हाउ हिज सन वॉज गेटिंग ऑन इन हिज स्टडी, यानी ये जो एस है एस के बाद ही आर आएगा, कहीं पर देख लो एस के बाद आर कहाँ आ रहा है, एस के बाद आर यहाँ पे आ रहा है, एस के बाद यानी दोनों पे आ रहा है, ठीक है, चलो इससे कोई दिक्कत नहीं। एस आर, हाउ हिज सन वॉज गेटिंग ऑन इन हिज स्टडी एट स्कूल, हो गया पी, तो हो गया क्यू एस आर पी, क्यू एस आर पी, सी ऑप्शन पे आ रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 65 लिखा हुआ है, आई वॉज सो एंग्री, आई वॉज सो एंग्री यानी मैं बहुत गुस्सा था, मैं इतना गुस्सा था कि इफ आई हैड मेट हिम इन अ स्ट्रीट एंड नॉट वेटेड टू आस्क हिम वाई ही हैड रिटन मी एन इंसल्टिंग लेटर आई वुड हैव नॉक हिम डाउन। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर गुस्से की बात चल रही है ना, और यहाँ पर अगर क्यू को पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रहा है, अभी देखो एक बात, यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसमें क्या एक खास बात है, उसमें एक खास बात है कि जो पूरा पूरा एक सेंटेंस है, यानी जो पूरा एस है या फिर आर है, ये अपने में एक पूरी मीनिंग ही निकाल के दे रहा है, एक सेंटेंस की तरीके से पूरी मीनिंग ही निकाल के दे रहा है ना, तो चीजें आसान होगी यहाँ पर आप अगर मीनिंग निकालते हो। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि अगर मुझे स्ट्रीट में मिल गया, आई मैं वेट नहीं करूंगा ये पूछने में, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि वाई ही हैड रिटन मी एन इंसल्टिंग लेटर, कि उसने मुझे क्यों इंसल्टिंग लेटर लिखा, यानी मेरे ऊपर क्यों उसने इंसल्टिंग लेटर लिखा, आई वुड हैव नॉक हिम डाउन, मैं उसे वहां पर मार दूंगा, मतलब मारते मारते गिरा दूंगा, कुछ ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर नोटिस करोगे कि जो क्यू है, कि मैं वेट नहीं करूंगा ये पूछने में, मैं वेट नहीं करूंगा ये पूछने में, क्या पूछने में, वाई ही हैड रिटन मी एन इंसल्टिंग लेटर, यानी क्यू के बाद जो सेंटेंस आएगा वो आर ही आएगा, आर पहले नहीं आ सकता है ना, तो क्यू के बाद आर आएगा, ऑप्शन देखते हैं क्यू क्यू के बाद कहाँ पर आर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यानी ये हो सकता है, ये भी हो सकता है क्यू आर, ये भी हो सकता है, ये एस सॉरी यहाँ पर आर क्यू है, आर क्यू है ना, पहले आर है फिर क्यू आया है, यानी डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, डी ऑप्शन तो किसी हालत में नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन को यहाँ पर हम हटा देते हैं। बचे दो ऑप्शन, इनकी भी पूरी पूरी मीनिंग निकल रही है, देख लो भाई यहाँ पर, इफ आई हैड मेट हिम इन अ स्ट्रीट आई वुड हैव नॉक हिम डाउन, यहाँ पर देख पा रहे हो कि कंडीशनल सेंटेंस की बात कर हो रही है, इफ आई हैड चल रहा है, आई वुड हैव, बिल्कुल कंडीशनल सेंटेंस है, यानी पी के बाद जस्ट बाद एस आएगा, पी के कहां पर जस्ट बाद एस आ रहा है, और क्यू आर ये वाला भी पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, अगर ये दोनों एक साथ ही आ रहे हैं तो ये दोनों भी एक ही साथ आएंगे। एक चीज और देख लो और कंफर्म करने के लिए कि इनके बीच में कुछ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है, एंड के साथ दोनों जुड़ रहे हैं, पी के बाद एस है फिर एंड से ये वाला यहाँ पर क्लॉज जुड़ रहा है, तो बिल्कुल पी एस क्यू आर यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, पी एस क्यू आर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है, तो ए ऑप्शन आंख बंद करके राइट ऑप्शन लगा देना है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि पूरी मीनिंग किस तरीके से आ जाएगी, तो पी एस क्यू आर है, आई वॉज सो एंग्री दैट, मैं उससे इतना गुस्सा हूं, अगर मैं उसे मिल जाऊं स्ट्रीट पे या फिर वो मुझे मिल जाए स्ट्रीट में, आई वुड हैव नॉक हिम डाउन, मैं उसे नॉक कर दूंगा या मैं उसे गिरा दूंगा, ठीक है, मारते मारते, एंड और ये नहीं पूछूंगा, इसका वेट नहीं करूंगा कि ये पूछूं वाई उसने मेरे ऊपर इंसल्टिंग लेटर क्यों लिखा, है ना, कुछ ऐसा निकल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है, ऑन द कॉन्ट्रेरी अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड इट्स बेनिफिट टू ऑल सिटीजन द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन, बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है कि टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन, इसको कौन फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है कि यहाँ पर बात की जा रही है प्रोवाइड करने की इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन की, है ना, अबाउट फैमिली प्लानिंग,
एंड इट्स बेनिफिट। इंफॉर्मेशन और एजुकेशन किसके बारे में? अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड इट्स बेनिफिट, यानी एस के बाद तो पी ही आएगा, इतना तो कंफर्म हो गया। और इस सेंटेंस को भी ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि क्यू होगा, यानी पी को फॉलो कर रहा है क्यू, तो इसके जस्ट बाद क्यू आएगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से बोलेंगे टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड इट्स बेनिफिट टू ऑल सिटीजन। अब बेनिफिट किसको देंगे? इट्स बेनिफिट टू ऑल इट्स सॉरी टू ऑल सिटीजन। तो यानी ये तो पूरा कंफर्म हो गया, बचा एक ही, तो आर यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल। क्यों ये इस तरीके से इजी था, क्यों यहाँ पर इसका यूज कम से कम हुआ? ऑन द कॉन्ट्रेरी, क्योंकि इसके बाद कॉमा लगा है, ठीक है। तो यानी अब जो सेंटेंस है रियल वाला वो स्टार्ट होने वाला है। तो सब्जेक्ट का काम काम कौन कर रहा है? द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वर्ब है, फिर उसके बाद आगे जो पूरा आपका ऑब्जेक्टिव है वो चलेगा। और यहाँ से आपने पकड़ लिया क्या कि इसको कौन फॉलो कर रहा है? इसको फॉलो कर रहा है ये, और इससे फॉलो कर रहा है ये, यानी यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आर होगा। फिर आएगा इस तरीके से बोलेंगे ऑन द कॉन्ट्रेरी द गवर्नमेंट वॉन्ट्स, इसको हटा देता हूँ, ऑन द कॉन्ट्रेरी द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, यानी आर फिर एस, एजुकेशन अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड इट्स बेनिफिट टू ऑल इट्स सिटीजन। देखो ये आ रहा है क्या ऑप्शन में? आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू, सी ऑप्शन पे आ रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीनिंग निकालना आसान था, आसानी से हो रहा था, ठीक है। और इतने क्वेश्चन करने के बाद आप ये बोल सकते हो कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस को फॉलो करा करके भी कर सकते हो, यानी आपने ये अंदाजा लगा लिया कि इसके बाद तो यही आएगा, उसके बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ओके। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है इसके बावजूद भी, यानी जो आगे वाला सेंटेंस है, आगे आने वाले सेंटेंस, उसमें पहला वाला पॉजिटिव सेंस में होगा, दूसरा वाला निगेटिव सेंस में होगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये जो दो क्लॉजेस होंगे या फिर दो सेंटेंसेस होंगे वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होंगे, ऐसा मीनिंग निकलेगा, है ना। ठीक है चलो देख लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ द पुअर एंड हंग्री पीपल मेड बाई मेडिकल साइंसेस द एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोसेस ऑफ एंड डाई, क्या यहां पर निकल रहा है? अब देखो ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोसेस जो है, कुछ और भी निकल रहा है बिल्कुल। ऑप्शन पे अगर हम आ जाएं, ऑप्शंस पे देखते हैं कि क्या हम कुछ डिस्कर्स निकाल पा रहे हैं, तो बिल्कुल ये एक जो सेंटेंस है या तो पी से शुरू होगा या तो फिर आर से शुरू होगा। पी से शुरू हो रहा है क्या? इन स्पाइट ऑफ, पी से देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ द पुअर एंड हंग्री पीपल ऑफन डाई द एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोसेस मेड बाई मेडिकल साइंसेस, पी एस आर क्यू, जैसा आ रहा है क्या? और हमें यहां पर यह भी देख रहा है कि द पुअर एंड हंग्री पीपल ऑफन डाई द स्टोरी, इसके बाद जो है इस सेंटेंस के बाद यहां पर कुछ बन नहीं रहा है, बात बन नहीं रही है ना, बिल्कुल तुरंत ये वाला सेंटेंस शुरू हो गया है जो कि अच्छे से बैठ नहीं रहा है। तो यानी पी तो नहीं होगा, है ना। इसको अगर बैठा के देखें, पी द पुअर एंड हंग्री पीपल मेड बाय मेडिकल साइंसेज, मेड बाय मेडिकल साइंसेज, तो कुछ सेंस निकल रहा है इसका? सेंस नहीं निकल रहा, यानी पी से तो शुरू नहीं होगा। यानी हमें ये पता है कि ये फिक्स करना पड़ेगा, ये फिक्स करना पड़ेगा, आर को फिक्स करना पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आई इन स्पाइट ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोसेस, द एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोसेस मेड बाई मेडिकल साइंसेस, अब इस सेंटेंस को फॉलो कर रहा है क्यों? अभी आप ये बोलोगे कि आपको कैसे पता ये सेंटेंस ये फॉलो कर रहा है, तो अगर ये नहीं फॉलो कर रहा है तो दूसरा वाला देख लो, क्या ये फॉलो कर रहा है, क्या ये फॉलो कर रहा है क्या? अब यहाँ पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोसेस है जो कि बनाई गई मेडिकल साइंस के द्वारा, यही सेंस निकल रहा है इसका। यहाँ पर देखोगे एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोसेस द पुअर एंड हंग्री पीपल, कोई सेंस है इस बात का? नहीं है। द एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोसेस ऑफ एंड डाई, क्या डाई हो जाती है? नहीं डाई होती है, तो ये भी कुछ सेंस नहीं निकल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको भी देखना है और इसको भी देखना है और साथ में इसको भी देखना है, फिर देखना है कि कौन सा फॉलो कर रहा है आर को, है ना। मेरे बताने का मतलब ये है, तो आर हो गया सबसे पहले, द एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोसेस मेड बाय मेडिकल साइंसेस, अब ये इतना खत्म हो गया, यानी एक जो क्लॉज था, यानी एक जो सेंटेंस था वो खत्म हो गया। द पुअर एंड हंग्री पीपल ऑफन डाई, जो पुअर और भूखे लोग हैं वो प्रायः मर जाते हैं, बिल्कुल पी एस आ रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, ऐसा कुछ अगर दिख रहा है ऑप्शन में, तो पी सॉरी आर क्यू पी एस,
बी ऑप्शन में आ रहा है तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सबसे स्टार्टिंग में क्या बताया था, इन स्पाइट ऑफ लगा हुआ है, यानी एक जो होगा वो पॉजिटिव चलेगा, एक निगेटिव चलेगा, या फिर पहला वाला निगेटिव होगा, दूसरा वाला पॉजिटिव होगा। यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, इन स्पाइट ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोसेस मेड बाई मेडिकल साइंसेज, बिल्कुल, द पुअर एंड हंग्री पीपल ऑफन डाई, यानी जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोसेस होती है जो की जाती है मेडिकल साइंस के द्वारा, उसके बावजूद भी जो पुअर और हंग्री पीपल हैं वो प्राय मर जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर सेंस निकल रहा है, बिल्कुल ये जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो हो रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। करने को बहुत कम टाइम में हो जाएगा, बट समझाने में टाइम ज्यादा लगता है, तो आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। अभी यहाँ पर CDS 2 2015 में नहीं आया है, जंप करते हैं CDS 1 2016 में। यहाँ पर लिखा हुआ है 21 दैट इट वुड अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, दे रिफ्यूज ऑफ दीज रेट्स सेइंग टू डाइवल्ज द वेन्यू। डाइवल्ज का मतलब होता है रिवील करना, है ना, डाइवल्ज का मतलब होता है रिवील करना। ऑप्शन में देखो कुछ हेल्प मिल रही क्या, PSQR सारे से ही स्टार्ट हो रहा है, बट अभी आप दिमाग लगाओगे क्या एस से स्टार्ट हो सकता है क्या, टू डाइवल्ज द वेन्यू हो सकता है, लेकिन इतना जनरली होता नहीं है, तो एस से तो नहीं हो रहा है, यानी बी ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे आके। ऑफ दीज रेट्स सेइंग, इसे भी नहीं स्टार्ट होता है, आर से भी नहीं स्टार्ट होता है, यानी इसको भी हम बाद में देखेंगे। दैट इट वुड हो सकता है, बहुत क्लोजली है, बट इसको भी हम बाद में देखेंगे। यहां पर हमें सॉलिड सब्जेक्ट दिख रहा है, दे रिफ्यूज्ड, क्या करते हैं, दे रिफ्यूज्ड टू डाइवर्स द वेन्यू, दे रिफ्यूज्ड यानी क्यू हो गया, क्यू से शुरू हो रहा है। अब इसको फॉलो करा के देख लो, या फिर यहीं से आप देख लो, ऑप्शन में नहीं जाना चाहते हो तो यहीं पर इसको बना के देख लो, या तो ऑप्शन की हेल्प ले लो, पूरा हम इसी ऑप्शन को पकड़ेंगे और आगे तक चलेंगे। दे रिफ्यूज्ड फिर आएगा एस टू डाइवर्स द वेन्यू ऑफ, बिल्कुल यहाँ पर ऑफ सूट कर रहा है और इसको फॉलो भी कर रहा है, ऑफ दीज रेट्स सेइंग दैट, यहाँ पर देखो सेइंग दैट यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, सेइंग दैट इट वुड अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हिंदी में बात करें तो क्या मीनिंग निकल रही है, दे रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया टू डाइवर्स द वेन्यू, यानी रिवील करना वेन्यू को, वेन्यू का मतलब होता है जहां पर, जिस स्थान की बात हो रही है जहां पर कार्यक्रम होने वाला है उसको बोलते हैं वेन्यू। वेन्यू ऑफ दीज रेट सेइंग दैट वुड अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, जो कि अफेक्ट करेगी जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसे, तो बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है दैट ही ऑलरेडी हैज बाइंग थिंग्स दैट रिच मैन गोज ऑन, है ना। देखते हैं यहाँ पर किससे शुरू होगा, PRSR गोज ऑन, एस से क्या शुरू होगा, क्या गोज ऑन बाद में देखेंगे उसको, नहीं होगा क्या, आर से शुरू होगा क्या, दैट रिच मैन हो सकता है, और आर से दो है एक पी है, दैट ऑलरेडी, बिल्कुल पी से भी हो सकता है और आर से भी हो सकता है। इससे देखते हैं दैट ही ऑलरेडी हैज, उसके पास जो हमेशा से रहती है, उसके पास जो पहले से है ना, बाइंग थिंग्स, बाइंग थिंग्स वो जो सामान बाई करते हैं वो उनके पास पहले से होता है, कुछ ऐसा सेंस निकल रहा है, तो यानी हमें यहाँ पर पता चल गया कि क्यू के बाद तो पी ही आएगा, है ना, क्यू के बाद तो पी ही आएगा, बाइंग थिंग्स दैट ही ऑलरेडी हैज, यही होगा, यानी क्यू के बाद पी आएगा, तो क्यू के बाद पी कहाँ नहीं आ रहा है, ये पी क्यू है, पी क्यू है, इसको बाद में देखेंगे, या फिर ये नहीं हो सकता, क्यू पी ये आ रहा है तो ये हो सकता है, और क्यू पी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बी को यहाँ पर फॉलो करा लो, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। लिखा हुआ दैट रिच मैन, दैट रिच मैन गोज ऑन बाइंग थिंग्स दैट ही ऑलरेडी हैज, बिल्कुल यहाँ पर सेंस निकल रहा है कि जो रिच मैन होते हैं वो जाते हैं कहाँ जाते हैं, उन चीजों को बाय करने जो उनके पास ऑलरेडी है, बिल्कुल यहाँ पर निकल रहा है पी एस सॉरी आर एस क्यू पी, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है द पुलिस कमिश्नर रस्ट द क्राउड टू कंट्रोल द पुलिस फोर्स, ये तो बहुत इजी है, पुलिस कमिश्नर ने रश किया, कहाँ पर रश किया, द क्राउड, ना द क्राउड तो नहीं होगा, टू कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल होगा, हमें पता चल गया कि पी के बाद तो आर ही आएगा, है ना, बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो रश किस पे रश किया, द पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स के ऊपर रेस्ट किया, क्या करने के लिए, टू कंट्रोल द क्राउड, हो गया यहाँ पर टू कंट्रोल द क्राउड, या फिर यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि
पी के बाद ही आर आएगा, और हम ये बोल सकते हैं टू कंट्रोल द क्राउड आर के बाद ही क्यू आएगा। तो जहां पर ये सीक्वेंस बिगड़ रहा हो, एस को छोड़ करके यहाँ पर जहां पर भी ये सीक्वेंस बिगड़ रहा हो, वो तो ऑप्शन हो नहीं सकता। तो पी आर क्यू, यानी एस को हटा दो पहले, एस को हटा दिया हमने पहले, है ना, पी क्यू आर ये तो नहीं होगा, पी क्यू आर ये भी नहीं होगा, और पी आर क्यू ये हो सकता है, और आर पी क्यू ये भी नहीं हो सकता, है ना। तो कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, और सी ऑप्शन भी ऐसा कुछ कह रहा है। क्या हो जाएगा? द पुलिस कमिश्नर रश्ड द पुलिस फोर्स टू कंट्रोल द क्राउड, बिल्कुल यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो किसकी बात किया जा रहा है और कैसे करना है। 24 देखते हैं, देखो, माई ब्रदर टू अटेंड हिज फ्रेंड्स वेडिंग इज गोइंग टू चेन्नई टुमारो। टुमारो को तो कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं, जनरली लास्ट में आता है, तो लास्ट में ये ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो इसी को पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। आर क्यू पी एस, आर का कहाँ है, इज गोइंग टू चेन्नई, क्या आर से शुरू हो सकता है? क्या नहीं शुरू हो सकता, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना। और देखो कोई किससे शुरू हो सकता है, टू अटेंड द फ्रेंड्स वेडिंग, क्यू से शुरू होता है क्या? क्यू से जनरली शुरू नहीं होता है, तो उसको भी काट दिया। पी से शुरू होता है, और पी से दो सॉलिड यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर सॉलिड लिखा हुआ है पी तो यानी पी से ही शुरू होगा, तो पी को हम सबसे पहले ही रख देते हैं। माई ब्रदर, माई ब्रदर क्या है, इसके बाद क्या आएगा, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब ढूंढो। माई ब्रदर टू अटेंड हिज फ्रेंड वेडिंग से अच्छा है इज गोइंग टू चेन्नई, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये मिल रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है गोइंग टू चेन्नई, ये हमें देखना, ये हमें दिख गया, और ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये हो गई, तो पी आर हो गया। पी आर कौन सा है, यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन को भी देखते चलना है, यानी डी ऑप्शन कहीं ना कहीं राइट होता हुआ दिख रहा है, इसको फॉलो करवा लो। माई ब्रदर इज गोइंग टू चेन्नई टू अटेंड, बिल्कुल इसे फॉलो कर रहा है, क्यों, टू अटेंड हिज फ्रेंड्स वेडिंग टुमारो, है ना। तो हो गया माई ब्रदर इज गोइंग टू चेन्नई, फिर उसके बाद आएगा क्यू, फिर उसके बाद आएगा एस, बट यहाँ पर एस तो नहीं है, एस पहले भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, टुमारो तो कहीं भी घूम सकता है ना। माई ब्रदर इज गोइंग टू चेन्नई टुमारो टू अटेंड हिज फ्रेंड्स वेडिंग, ओके। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है क्विकली ही गेव ऑर्डर टू कैच द थीफ टू हिज मैन। ही गेव ऑर्डर, हमें दिख रहा है कि ये सेंटेंस ही से ही शुरू होगा, ही से शुरू होगा, तो ये एक ही यहाँ पर क्यू से है। ही गेव ऑर्डर, क्या ऑर्डर दिया, किसको ऑर्डर दिया, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, टू हिज मैन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही हो गया। टू कैच द थीफ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, पहले वो सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होती है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, ऐसे चलता है। तो डायरेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही, और उसके बाद वर्ब क्या है, गेव ऑर्डर टू हिज मैन टू कैच द थीफ क्विकली, और ये क्या है हमारी, ये एडवर्ब है, जो किसको बता रही है कि क्विकली क्या करना है, कैच करना है, तो आर के बाद ही आएगा पी, या फिर ये बोले कि वर्ब के बाद ही लिखा जाता है एडवर्ब, है ना, क्योंकि जो वर्ब की स्पेसिफिकेशन है, जो वर्ब की विशेषता है, वो एडवर्ब बताती है, तो आर के बाद पी आएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्यू एस आर पी, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ही गिव ऑर्डर टू हिज मैन टू कैच द थीफ क्विकली, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। 26 लिखा हुआ है टू गिव अ डिफिनेशन इफ आई वर आई वुड बिगिन लाइक दिस। अभी यहां पर क्या कर सकते हैं, क्या सेंटेंस पी से शुरू हो सकता है, क्या टू गिव अ डिफिनेशन, नहीं हो शुरू हो सकता, इसको सबसे बाद में देखेंगे। आगे देखो, क्या इफ से शुरू हो सकता है, क्या इफ, इफ आई वर यू, हाँ यहाँ पर एक चीज और समझ में आ रही है कि इफ लगा हुआ है, वर लगा हुआ है, और आगे जाके वुड भी लगा हुआ है ना, तो कंडीशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर याद आ रहा है क्या, इफ आई वर डैश फिर कॉमा लगेगा, फिर आई वुड, फिर यहां पर आगे सी चीजें चलेंगी, है ना। तो ये चीज तो फिक्स है, आपको यहाँ पर इतना स्ट्रक्चर भी मालूम है, फिर उसके बाद आई वुड भी मालूम है, फिर उसके बाद दो चीजें बचेंगी, जो कि यहाँ पर एस आएगा या तो फिर पी आएगा, या तो यहाँ पर एस आ सकता है या फिर पी आ सकता है, या फिर यहाँ पर एस आ सकता है यहाँ पर पी आ सकता है, रख के देख लो हो जाएंगे। अब इस पे भी आपको यहाँ पर एक चीज और पता चल गई कि जो ऑप्शन है उसमें क्या होना चाहिए, पहले होगा कि यहाँ पर क्यू और फिर होगा यहाँ पर आर, यानी क्यू डैश आर डैश,
ई होना चाहिए। तो ऐसा कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्यू और आर, फिर उसके बाद में डैश डैश लगाओ, कहीं पर दिख रहा है क्यू और आर, बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है, तो ये हो सकता है। यहाँ पर नहीं दिख रहा है और यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, तो कितना आसान हो गया इसको सॉल्व करना, हो गया आसान। अब इसकी मीनिंग निकाल लो, मीनिंग निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ आई वर टू गिव अ डिफिनेशन आई वुड बिगेन लाइक दिस। बिल्कुल यहाँ पर इजी हो गया कि अगर मुझे देना होता तुम्हें डिफिनीशन या फिर तुम्हें बताना होता, आई वुड बिगिन लाइक दिस, मैं बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्ट करता, है ना। हो गया, तो हो जाएगा क्यू, इफ आई वर टू गिव अ डिफिनेशन, अगर मुझे तुम्हें नसीहत देनी होती या फिर डेफिनेशन देनी होती तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से देता। आर हो गया, एस हो गया। आई होप ये चीज समझ में आएगी कि किस तरीके से यहाँ पर यूज किया है। तो आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें यूज करनी आनी चाहिए, है ना। 27 लिखा हुआ है, डिजर्व ऑल ऑनर इन सोसाइटी इन डूइंग देयर जॉब वेल, मैन ऑफ कंसाइंस हु टेक प्राइड वॉट एवर इट्स नेचर। अभी यहाँ पर बताओ क्या जो सेंटेंस है वो क्यू से शुरू होगा क्या? इन डूइंग देयर जॉब वेल नहीं शुरू होगा और शुरू भी नहीं होता है। क्या पी से शुरू होगा? डिजर्व ऑल ऑनर इन द सोसाइटी, हो सकता है। मैन ऑफ कंसाइंस हु टेक प्राइड, बिल्कुल यहाँ पर भी आर से हो सकता है। वॉट एवर इट्स नेचर, एस से भी हो सकता है। तो आर पी एस से हो सकता है, कोई एलिमिनेट नहीं होता, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर बताओ कि ये जो प्राइड है, मैन ऑफ कंसाइंस हु टेक प्राइड, प्राइड काहे पे आएगी? इन डूइंग देयर जॉब वेल, अगर वो अपना काम अच्छे से करते हैं, है ना, अच्छे से करते हैं। यानी आर के बाद ही क्यू आएगा, आर के बाद ही क्यू आएगा। बी ऑप्शन तो पहले से हमने हटा दिया, आर के बाद क्यू आएगा। अब ऑप्शन देखो कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, आर के बाद क्यू आ रहा है, ठीक है, आर के बाद क्यू आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्यू के बाद आर आ रहा है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर लिए। अब तो या तो सेंटेंस पी से शुरू होगा या तो आर से शुरू होगा। तो मैन ऑफ कंसाइंस हु टेक प्राइड इन डूइंग देयर जॉब वेल, इन दोनों का काम तो तमाम हो गया। अब इन दोनों को देखो, क्या पी के बाद ऐसा आएगा क्या? डिजर्व ऑल ऑनर इन द सोसाइटी वॉट एवर इट्स नेचर, या फिर वॉट एवर इट्स नेचर डिजर्व ऑल ऑनर इन द सोसाइटी, दोनों ही चीज हो सकती हैं। फिर से देखते हैं, मैन ऑफ कंसाइंस हु टेक प्राइड इन डूइंग वॉट एवर, सॉरी, मैन ऑफ कंसाइंस हु टेक प्राइड इन डूइंग देयर जॉब वेल वॉट एवर इट्स नेचर, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका नेचर क्या डिजर्व करता है सोसाइटी के अंदर। यानी क्यू को फॉलो कौन कर रहा है? क्यू को फॉलो कर रहा है एस, क्यू को फॉलो कौन कर रहा है? एस फॉलो कर रहा है ना। यानी एस पहले नहीं आ सकता क्यू के, क्यू के बाद ही एस आएगा। अब इसको देख लो कौन से दो ऑप्शन में, क्यू के बाद एस आ रहा है, बिल्कुल ये हो सकता है, और यहाँ पर क्यू के पहले ही आ रहा है एस, ये नहीं हो सकता, ए ही ऑप्शन होगा। तो ए ऑप्शन हो गया राइट ऑप्शन, आई होप समझ में आया होगा। तो इसके बाद पी ही आएगा, तो पी हो गया, क्यू सॉरी आर क्यू एस पी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मैन ऑफ कंसाइंस हु टेक प्राइड इन डूइंग देयर जॉब वेल व्हाट एवर इट्स नेचर डिजर्व ऑल ऑनर इन द सोसाइटी। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28 देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाइल सम लाइफ टू ईट एंड ड्रिंक मैनी डू नॉट हैव इनफ इन लग्जरी। अभी ये बताओ क्या सेंटेंस क्यू से शुरू हो सकता है क्या? क्यू से नहीं हो सकता और क्यू वाला ऑप्शन भी नहीं है। चलो ठीक है, ये टेंशन तो खत्म हो गई। उसके बाद देखो, इन लग्जरी जनरली बाद में आता है, एस बाद में आ रहा है, चलो यहाँ ये भी टेंशन खत्म हो गई, ठीक है, इसको कहीं भी फिट कर लेंगे। यहाँ पर देखो, मैनी डू नॉट हैव इनफ, इसको कौन फॉलो कर रहा है? मैनी डू नॉट हैव इनफ, बहुत लोगों के पास क्या नहीं है? टू ईट एंड ड्रिंक, खाने के लिए पीने के लिए, यानी आर के बाद ही क्यू आएगा, इतना पता चल गया। अब देखो ऑप्शन देख लो, यहाँ पर आर के बाद क्यू आ रहा है, आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू और क्यू आ रही है, यानी सी ऑप्शन नहीं होगा, आर के बाद क्यू, बिल्कुल यहाँ पर तीन ऑप्शन हो सकते हैं। अभी वाइल जो है वो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यानी एक सेंटेंस पूरा होगा उसके बाद ही दूसरा शुरू होगा, वाइल लगा हुआ है ना, कंजंक्शन का काम ही यही होता है, दो सेंटेंस या क्लॉजेस को जोड़ना। तो एक सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट होगा, उसके बाद वाइल लगेगा, फिर उसके बाद या तो इस तरीके से हो सकता है या फिर वाइल होगा और एक सेंटेंस कंप्लीट होगा, कॉमा लगेगा, फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होगा। यानी पहला वाला सेंटेंस खत्म होना चाहिए, उसका मीनिंग खत्म होना चाहिए। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, वाइल सम लाइफ, सम लाइफ खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पर मीनिंग इसका, वाइल सम लाइफ क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज खत्म हो गए, इन लग्जरी, वाइल सम लाइफ सॉरी वाइल सम लाइफ इन लग्जरी, कुछ लाइफ जो है वो लग्जरी में है, लेकिन
मैनी डू नॉट हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक, लेकिन बहुतों के पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर पी एस और आर के बाद क्यों आना था, आर के बाद क्यों हो गया, देखो क्या ये आ रहा है क्या, पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू, ए ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। दिमाग खोल के रखना है, आसानी से हो जाएगा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है आई बिलीव देन दैट नो मैटर वन शुड ऑलवेज फाइंड सम टाइम्स फॉर एक्सरसाइज एंड आई बिलीव इवन नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क वन हैज। ये चीज तो फिक्स है, इसके सबसे पास कौन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हो आई बिलीव देन एंड आई बिलीव इवन नाउ, ये यहाँ पर बिल्कुल इसके बाद ही आएगा, यानी सेंटेंस जो है वो आर ही आएगा इसके बाद। मैं पहले बिलीव करता था और आज भी यही बिलीव करता हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ निकल रहा है, यानी सबसे पहले तो आर ही आएगा, आर आएगा तो यानी ये दोनों ऑप्शन तो पहले हटा दो। आई बिलीव देन एंड आई बिलीव इवन नाउ, क्या दैट बिल्कुल आर को फॉलो कर रहा है पी, तो यानी पी होगा, आर के बाद पी होगा, यहाँ पर भी ये सॉलिड दोनों चीजें लिखी हुई, तो इन दोनों को तो देखना ही नहीं है, इन दोनों को तो देखना ही, अब इसके आगे देखना है। अब आपको यहाँ पर सेंटेंस की आधी मीनिंग निकलती हुई दिख जाएगी। आई बिलीव देन एंड आई बिलीव इवन नाउ, मैं पहले ये बिलीव करता था और आज भी यही बिलीव करता हूँ, दैट नो मैटर कि कोई भी मैटर, दैट नो मैटर द अमाउंट ऑफ वर्क वन हैज, कितना भी काम हमारे पास हो, वन शुड ऑलवेज फाइंड सम टाइम फॉर एक्सरसाइज, हमारे पास कितना भी काम हो हमें टाइम निकालना चाहिए किसके लिए, एक्सरसाइज के लिए, यानी ऐसा आएगा, क्यों आएगा, कुछ समझना ही नहीं है, ऑप्शन देखना ही नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर लिखा हुआ है आई वंडर व्हेन एवर आई डिसाइडेड टू गो टू सिनेमा विद माई स्कूटर व्हाई आई ऑलवेज हैव ट्रबल। अभी यहाँ पर आप देखोगे कि जो एस है और जो क्यू है इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में ये रिलेशन है, एस पे बात करता है कि क्यों मुझे ट्रबल रहती है जब कभी भी मैं डिसाइड करता हूँ सिनेमा जाना, यानी एस के बाद तो क्यू ही आएगा, सेंस निकाल पा रहे होगे आप, एस के बाद क्यू ही आएगा, तो ऑप्शन में देखो ये क्यू एस है, ये नहीं होगा, क्यू एस है ये भी नहीं होगा, एस क्यू है बिल्कुल ये हो सकता है, और ये एस क्यू है ये भी हो सकता है। एक और चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि एस जो है व्हाई आई ऑलवेज हैव ट्रबल, ट्रबल होती है जिसकी वजह से आई वंडर व्हाई आई ऑलवेज हैव ट्रबल, यानी एस के पहले पी आएगा, है ना, आई वंडर मैं हमेशा आश्चर्यचकित रहता हूँ कि क्यों मुझे हमेशा प्रॉब्लम रहती है, मुझे क्यों ट्रबल रहती है जब कभी भी मैं सिनेमा देखने का जाने का डिसाइड करता हूँ, यानी होगा पी एस क्यू, पी एस क्यू, क्या ये कहीं पर बन रहा है पी एस क्यू, अगर इन तीनों में आपस में फिर बदल है तो नहीं हो सकता, तो पी एस क्यू, पी एस क्यू और बीच में आर है, यहाँ पर पी आर एस क्यू है। अभी आपको फिट करना है विद माई स्कूटर, दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, अब विद माई स्कूटर कहाँ पर सुटेबल होगा, लिखा हुआ है आई वॉन्डर वाई आई ऑलवेज हैव ट्रबल, किसके साथ ट्रबल है, विद माई स्कूटर, एस के बाद क्या आएगा आर आएगा, एस के बाद क्या आएगा आर आएगा, क्योंकि ट्रबल किसके साथ है, स्कूटर के साथ है, व्हेन एवर आई डिसाइडेड टू गो टू सिनेमा, है ना, तो आई वंडर व्हाई आई ऑलवेज हैव ट्रबल विद माई स्कूटर व्हेन एवर आई डिसाइडेड टू गो टू सिनेमा, तो सी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 31 लिखा हुआ है द बर्ड कैचर बाई द मीन ऑफ स्नेयर न्यू ऑल द बर्ड ऑफ द फॉरेस्ट बाई द हंड्रेड एंड वॉज ए कंस्टेंट टू कैप्चर द विंड क्रिएचर। ठीक है, यहाँ पर बर्ड कैचर की बात की जा रही है और यहाँ पर बात की जा रही है जो फंदे के बीचों बीच वाला पोर्शन होता है वहां से, मीन ऑफ स्नेयर का मतलब होता है फंदे के बीचों बीच, न्यू ऑल द बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट, जानता है सभी बर्ड्स को जो कि फॉरेस्ट में है, बाई द हंड्रेड, ठीक है, आगे लिखा हुआ है वॉज ए कंस्टेंट टू कैप्चर द विंड क्रिएचर, वो आदी है या फिर एक्सपर्ट है कैप्चर करने में जो कि विंड क्रिएचर है उन्हें। इतना कुछ टूटा फूटा हमने बना लिया, मीनिंग निकाला कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। अभी देखो सेंटेंस पी से तो शुरू नहीं होगा और ना ही आर से शुरू होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है बाय द मीन ऑफ स्नेयर, ये क्या सेंस निकाल रहा है, ये सेंस निकाल रहा है कि फंदे के बीचों बीच से, और यहाँ पर आप देखोगे तो कैप्चरिंग की बात की जा रही है ना, तो कैप्चरिंग की बात की जा रही है तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे आएगा, यानी एस के बाद ही कहीं ना कहीं पी आएगा, यहाँ पर पी एस आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पर
एसपी है, ठीक है, ये हो सकता है, ये पीएस यहाँ पर भी आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर भी पीएस आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है, एक ही ऑप्शन बचा, देख लेते हैं इसको, करा लेते हैं यहाँ पर फॉलो। द बर्ड कैचर क्यू आएगा, बिल्कुल यहाँ पर हमें दिख रहा है कि क्यू आएगा, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट है बर्ड कैचर, और इसकी वर्ब जो है वो न्यू है, ठीक है, न्यू। ऑल द बर्ड ऑफ द फॉरेस्ट, आगे बात की गई है एस की, एंड वॉज एकम्स्टेंट टू कैप्चर द विंग क्रिएचर। उसके बाद आर लिखा है बाय द हंड्रेड, बिल्कुल ठीक है, बाय द हंड्रेड, बाय द मीन ऑफ, बिल्कुल ये हमारा क्यू एस आर पी आएगा, क्यू एस आर पी, क्यू क्यू एस आर पी। और अगर यहाँ पर एक चीज और लिखी होती कि द बर्ड कैचर न्यू ऑल द बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट बाय द हंड्रेड, यानी पहले क्यू आता, फिर आर आता, फिर उसके बाद एस आता, फिर पी आता, ये भी हमारा बिल्कुल सही होता है ना, इसका भी सेंस निकल रहा है, ये भी हमारा सही होता है, बट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी नहीं है, तो ये भी हो सकता था और ये भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर बात की गई है बर्ड कैचर जो जानता है सभी बर्ड्स को फॉरेस्ट में जो है कितने की तादाद में, बाय द हंड्रेड, हंड्रेड की तादाद में बोल सकते हैं, एंड वॉज एकम्स्टेंट टू कैप्चर द विंड क्रिएचर बाय द मीन ऑफ स्नेयर, और वो आदी है कैप्चर करने में विंड क्रिएचर को अपने फंदे के द्वारा, ऐसे भी बोल सकते हैं, हो सकता है बिल्कुल, ये दोनों ही ऑप्शन हो सकते थे अगर ये वाला होता, बट ये वाला नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन में तो लगाना है, दो ऑप्शन में थोड़ा लगाना है। 32 लिखा हुआ है मैन इज अ बायोलॉजिकल बींग, हिज फिजिकल एंड मटेरियल नीड्स कन्फाइंड टू नॉट मेयरली। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो हमें ये पता है कि आर के बाद तो की हुई आएगा क्योंकि कन्फाइंड टू यानी सीमित है कहाँ पे, हिज फिजिकल और मटेरियल नीड्स में, कुछ ऐसा सेंस निकल रहा है, यानी आर के बाद तो क्यू ही आएगा, और कहीं ना कहीं आर और क्यू के बीच में कोई नहीं आएगा, है ना, ये भी बोल सकते हैं कि आर के बीच में ना ही पी आएगा ना ही एस आएगा, क्योंकि पी एस इतने बड़े नहीं कि यहाँ पर पूरा पूरा मीनिंग लेकर के आ रहे हो, नॉट मेयरली अ बायोलॉजिकल बींग यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यानी आर और क्यू एक साथ ही बने रहेंगे। देखो यहाँ पर आर क्यू, आर के बाद क्यू है, यहाँ पर आर के बाद क्यू है, यहाँ पर आर के बाद क्यू है, और यहाँ पर आर के बाद क्यू है, तो कोई यहां से तो एलिमिनेट नहीं हो रहे, और हमने दूसरी चीज क्या बताई कि आर के और क्यू के बीच में कोई नहीं आएगा, कहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा है, इन दोनों पे आ रहा है, देखो आर के बाद क्यू बीच में एस पी आ रहा है तो ये हटा दो, और यहाँ पे ये यह आ रहा है ये भी हटा दो, तो बचे बी और डी, बी और डी बचे। अब क्या कर सकते हैं, कुछ आपको पता चल रहा है यहाँ पर मीनिंग निकल रही है कुछ, अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो इन दोनों को अलग अलग फॉलो करवा लो, अगर हम एस को फॉलो कराते हैं, पहले एस है फिर आर है फिर क्यू है फिर पी है, अब पढ़ना शुरू करो, अ मैन इज नॉट मेयरली कन्फाइंड टू हिज फिजिकल एंड मटेरियल नीड अ बायोलॉजिकल बींग। देखो यहां तक तो बिल्कुल सही था जब हम लोगों ने क्यू तक पढ़ा था, पी वाला उतना अच्छा बैठ नहीं रहा है क्योंकि अ मैन इज नॉट मेयरली कन्फाइंड टू हिज फिजिकल एंड मटेरियल नीड, फिर पूरी सेंस यहाँ पर निकल गया, बट इसका कोई सेंस बाद में निकल नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो बचा डी ऑप्शन, इसको देख लेते हैं क्या ये यहाँ पर सही निकाल रहा है, ये डी देखते हैं, पहले एस है फिर पी है फिर हमारे पास आर है और फिर हमारे पास क्यू है। अ मैन इज नॉट मेयरली अ बायोलॉजिकल बींग कन्फाइंड टू हिज फिजिकल एंड मटेरियल नीड्स, बिल्कुल यहाँ पर ये सेंस निकल रहा है कि जो आदमी है नॉट मेयरली वो केवल बायोलॉजिकल बींग नहीं है, कन्फाइंड टू जो कि सीमित है हिज फिजिकल और मटेरियल नीड्स में, बिल्कुल यहाँ पर में नहीं निकल रही, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, किसी भी तरीके से कर सकते हो, बट आपको ये चीज देखना है कि लास्ट में मीनिंग सही निकल रही है कि नहीं निकल रही है, मैंने जो अप्रोच किया है आप दूसरी अप्रोच से भी कर सकते हो, ठीक है, आप ये आप बायोलॉजिकल बींग से भी कर सकते थे, बायोलॉजिकल बींग और नॉट मेयरली को भी यूज करके कर सकते थे, कैसे भी करो बस आपका यहाँ पर लास्ट में मीनिंग सही निकलना चाहिए, ठीक है। 33 लिखा हुआ है अ गैंग ऑफ रॉबर्स व्हाइल दे वर फास्ट एस्लीप एंटर द विलेज एंड स्टोल द प्रॉपर्टी ऑफ विलेजर एट नाइट। अब यहाँ पर मीनिंग निकल रही है गैंग ऑफ रॉबर की बात की जा रही है, व्हाइल दे वर फास्ट एस्लीप, जब सब लोग सो रहे होते हैं, इंटर द विलेज, विलेज में इंटर करते हैं, एंड स्टोल द प्रॉपर्टी ऑफ विलेजर, यहीं से हमें दिख रहा है कि क्यू के बाद तो आर ही आएगा, है ना, एट नाइट, एस को तो कहीं भी हम उठा करके रख सकते हैं, है ना,
अभी देखो यहाँ पर वाइल लगा हुआ है, अभी हम लोगों ने पीछे वाइल डिस्कस किया था कि एक जब पूरा क्लॉज खत्म हो जाता है, उसकी मीनिंग है वो खत्म हो जाती है, देन वाइल लगता है और उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो क्लॉज है वो चलता है, या फिर वाइल सबसे आगे लगेगा और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक क्लॉज चलेगा, फिर कॉमा लगेगा, फिर दूसरा इस तरीके से खत्म होता है ना। और वाइल सबसे आगे लगा सकते हैं क्या? ऑप्शन में ही नहीं है, तो यानी पी से तो शुरू नहीं होगा। और यहाँ पर हमें एक चीज और दिख रही है कि क्यू के बाद तो आर आएगा और क्यू सबसे पहले आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अ गैंग ऑफ रॉबर की बात की जा रही है और ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की वर्ब इंटर द विलेज है ना, और इंटर द विलेज एंड स्टोल द प्रॉपर्टी ऑफ विलेजर, ये हमारा क्या है, क्यू के बाद आर आने आएगा, क्यू के बाद आर आएगा, बिल्कुल सही है। वाइल दे वर फास्ट एस्लीप, इसके बाद आएगा वाइल, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा ये आएगा, समझ में आ रहा है किस तरीके से। अब यहाँ पर जो इस तरीके का पैटर्न हो, यानी क्यू आर पी का पैटर्न जहां पर भी हो रहा होगा वो हमारा राइट आंसर बनेगा। एस को तो कहीं भी फिट कर सकते हैं, है ना। देखो क्यू एस को पहले हटा दो, क्यू आर पी यहाँ पे आ रहा है, क्यू पी आर ये नहीं होगा, पी क्यू आर ये भी नहीं होगा, क्यू पी आर ये भी नहीं होगा, क्यू आर पी होना चाहिए, तो हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। अभी देखो ये तीन ऑप्शन एकदम से क्यों हट गए, एकदम से इसलिए हट गए क्योंकि हमने ये बना लिया एट नाइट को, हमने नहीं देखा। एस को तो कहीं भी फिट कर सकते हैं, और हम तीन अगर चीज लेकर के चल रहे हैं तो हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज हमारी सही होगी, है ना। या तो एस यहाँ पर लग जाता है, या तो एस यहाँ पर लग जाता है, ठीक है, या तो कहीं बीच में लग जाता, लेकिन ये सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, ये सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस बिगड़ा, यानी ये जो पूरा सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर ही बदल गया और वो होगा नहीं, इसलिए ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से हुआ है ये। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है द अपोजिशन मेंबर द रूलिंग ऑफ द स्पीकर टू प्रोटेस्ट अगेन ऑफ पार्लियामेंट वर्कड आउट। यहाँ पर अपोजिशन मेंबर की बात की जा रही है, रूलिंग ऑफ द स्पीकर की बात की जा रही है, टू प्रोटेस्ट अगेन ऑफ द पार्लियामेंट एंड वॉकआउट। कुछ यहाँ पर पता चल रहा है क्या हो सकता है? ये इतना पता चल गया है कि यहाँ पर चीज अच्छी नहीं है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, है ना, और सब वॉकआउट वॉकआउट कर रहे हैं। वॉकआउट कहाँ से कर रहे हैं? पार्लियामेंट से, ठीक है। तो अपोजिशन मेंबर वॉकआउट किए हैं, यानी एस आएगा, क्योंकि ये हमारा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये है हमारी वर्ब, वॉकआउट ऑफ द पार्लियामेंट, ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से, टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करने के लिए, किसके अगेंस्ट में, द रूलिंग ऑफ द स्पीकर, तो यहाँ पर है ये पी आएगा, हो गया हमारा कंप्लीट। एस आर क्यू पी कहीं पर आ रहा है, एस आर क्यू पी डी ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्यों इस तरीके से कर लिया? क्योंकि ये छोटा था, और अगर घूर के देखोगे सभी को, पी क्यू आर एस को, तो आप इजिली फिट कर लोगे कहाँ पर क्या चीज आएगी। 35 लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉय सेव्ड हर बाय अ स्पीडी कार एट अ रिस्क ऑफ हिज लाइफ अ लिटिल गर्ल वॉज अबाउट टू बी रन ओवर। अभी यहां पर बताओ व्हेन लिखा हुआ है, क्या सेंटेंस क्यू से शुरू हो सकता है क्या? बाई सॉरी व्हेन बाई आ स्पीडी कार, ऐसा तो होगा नहीं। क्या सेंटेंस आर से शुरू होगा क्या? व्हेन एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ, इसे भी नहीं शुरू होगा, यानी क्यू और आर से तो शुरू नहीं होगा, तो क्यू नहीं है, क्यू से शुरू नहीं होगा और आर से भी नहीं शुरू होगा। अभी हमें पता चल गया सेंटेंस शुरू होगा एस से, अब सॉलिड एस से ही पता चल रहा है क्योंकि दो ही ऑप्शन है जो एस एस यहाँ पर लिखा हुआ है ना। चलो भाई, व्हेन अ लिटिल गर्ल वॉज अबाउट टू बी रन ओवर, रन ओवर, अब इसके बाद क्या आएगा, इसको कौन फॉलो कर रहा है? बाई अ स्पीडी कार, रन ओवर बाई द स्पीडी कार। और यहाँ पर एक चीज और पता चल रही है कि एस क्यू का काम हो गया, सेव्ड हर एट रिस्क ऑफ हिज लाइफ, अ बॉय सेव्ड हर एट अ रिस्क ऑफ हिज लाइफ, पी आर भी हमें यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसको फॉलो करेगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो एस क्यू पी आर सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। जी ओरियन लॉयलिटिस्ट एंड रिबेल ग्रुप आफ्टर अ वीक ऑफ फाइटिंग एग्रीड टू अ सीज फायर टूडे इन विच 51 पीपल वर किल्ड। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्यू के बाद तो आर ही आएगा, ये आपको पहले से दिख रहा है ना, एग्री टू अ सीज फायर टूडे, और इसको फॉलो कर रहा है, यानी आर को फॉलो कर रहा है कौन? पी, टूडे आफ्टर अ वीक ऑफ फाइटिंग। और यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि जो फाइटिंग है इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है इस वाले सेंटेंस में, एस वाले में, इन विच 51 पीपल वर किल्ड। नहीं समझ में आया तो देख लो,
ये वाला है हमारा पूरा सब्जेक्ट, इसकी वर्ब ढूंढो। इसकी वर्ब देखो यहाँ पर आ रही है, एग्री टू आ रही है। जी ओरियन लॉयलिस्ट एंड रिबेल ग्रुप एग्री टू, किसके लिए एग्री किए? टू अ सीज फायर टूडे आफ्टर अ वीक ऑफ फाइटिंग इन विच 51 पीपल वर किल्ड। कहां पर? क्यू आर पी एस आ रहा है, बस वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यू आर पी एस डी ऑप्शन में आ रहा है, डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 41 लिखा है, द अल्टीमेट होप विल फोर्स द नेशन दैट द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ वेपन टू गिव अ वॉर हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। क्या हो सकता है यहाँ पर, दिमाग लगाओ। देखो अगर मैं पी और आर को देखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि पी के बाद ही आर आएगा, क्यों? विल फोर्स द नेशन टू गिव अप द वॉर, फोर्स करता है नेशंस को क्या करने के लिए? गिव अप द वॉर, वॉर को छोड़ने के लिए, कुछ ऐसा यहाँ पर निकल रहा है। क्या इसके बाद ये आ सकता है क्या, विल फोर्स द नेशन दैट डिस्ट्रक्टिव नेचर? नहीं, इतना तो नहीं आ रहा, सबसे सुटेबल यही लग रहा है ना। सो पी और आर हो गया। अगर यहाँ पर एक चीज और देखो क्या, कि क्यू को अगर मैं इसके आगे फिट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, दैट द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द वेपन, डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द वेपन विल फोर्स द नेशन टू गिव अप द वॉर, बिल्कुल यहाँ पर आ सकता है क्यू। और दूसरी तरीके से, दूसरे एंगल से देखो तो अल्टीमेट होप, अल्टीमेट होप को डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पर, दैट द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द वेपन विल फोर्स द नेशन टू गिव अप द वॉर। कितनी चीज अगर समझ में आ गई, तो अब ऑप्शन में आ जाओ। कहां पर ये क्यू पी आर वाला बन रहा है स्ट्रक्चर, यानी एस को हमको ध्यान में नहीं रखना, एस यहाँ पर से हम हटा दे रहे हैं एस। कहां पर ये सारी चीजें आ रही है, पी क्यू आर, क्यू पी आर हमें देखना है। क्यू पी आर है क्या यहाँ पर? नहीं है, क्यू पी आर नहीं है यहाँ पर, क्यू पी आर यहाँ पे है, यहाँ पर भी नहीं है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। एस को हमने सबसे पीछे रखना है, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, द अल्टीमेट होप that the destructive nature of the weapon will force the nation to give up war has not been fulfilled. वो अभी तक fulfill नहीं हुई है ना, has not been fulfilled. तो C option यहाँ पर मेरा right option हो जाएगा। 42 लिखा हुआ है, the leader of the opposition in the manner he had planned to convince them on realizing that he had failed to convince the assembly who had a reputation for the speech making was very much disappointed. देखो एक तरीका ये भी होता है, क्या करो आप एक एक ऑप्शन को उठा लो और करना शुरू करो कि ये सही हो सकता है कि ये नहीं सही हो सकता है, ठीक है। इससे भी आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या है, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस लिखे हुए हैं और सबकी मीनिंग अगर निकालते हुए चले जाओगे तो यहाँ पर ईजी हो जाएगा। किस तरीके से मीनिंग निकालोगे, अभी यहाँ पर पहला उठाओ, पहले P आएगा, फिर आएगा S, फिर आएगा R, फिर आएगा Q। अब देखो निकालो यहाँ पर, द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द मैनर ही हैड प्लान टू कन्विंस देम वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, कोई सेंस निकल रहा है आगे, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, हु हैड अ रेपुटेशन फॉर स्पीच मेकिंग ऑन रियलाइजिंग दैट ही फेल टू, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, कन्विंस ये है और कन्विंस यहाँ पर है, ये तो आसपास होने चाहिए, यानी ए ऑप्शन तो नहीं होगा। इस पे चलते हैं, बी वाले पे चलते हैं, पहले क्यू आएगा फिर एस आएगा। मैं नंबरिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भूल जाता हूं यहाँ पे। चलो अब पढ़ते हैं, द लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑन रियलाइजिंग दैट ही फेल्ड टू कन्विंस द असेंबली वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड हु हैड अ रेपुटेशन फॉर स्पीच मेकिंग इन द मैनर, ये भी बिल्कुल यहाँ पर बेहुदा लग रहा है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, कोई सेंस ही नहीं निकाल के दे रहा। आगे चलते हैं, सी ऑप्शन में चलते हैं, आर एस क्यू और पी। अब सेंस निकालने की मेरी बात ये है, टूटा फूटा कुछ बनने लगेगा कि हाँ इस तरीके का बनता हुआ चला जा रहा है, स्ट्रक्चर बनता हुआ चला जाएगा, या फिर कभी कभी ऐसा पता चलेगा कि जो लास्ट के वर्ड होंगे वो किसी के स्टार्टिंग वाले से जुड़ना शुरू कर जाएंगे, है ना, उससे भी पता चल जाएगा। जैसे अगर इसमें हम लोग देखते हैं, उसको हटाते हैं, यहाँ पर देखो, द लीडर ऑफ अपोजिशन हु हैड अ रेपुटेशन फॉर द स्पीच मेकिंग, बिल्कुल यहाँ पर देखो मिल रहा है इसका लास्ट वाला, द लीडर ऑफ अपोजिशन, इसको क्लासिफाई किया जा रहा है हु से, हु फिर आगे हैड अ रेपुटेशन फॉर स्पीच मेकिंग, जिनके पास रेपुटेशन है स्पीच मेकिंग की। फिर इसके बाद एस है, वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, बिल्कुल, ऑन रियलाइजिंग दैट ही हैड फेल्ड टू कन्विंस द फैमिली। अब यहाँ पर देखो
बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है, डिसपॉइंटेड ऑन रियलाइजिंग। आपको पता चल रहा है कि डिसपॉइंटेड कनेक्ट हो रहा है ऑन रियलाइजिंग से, तो ये सेंस आपको पकड़ना है, दैट ही हैड फेल्ड टू कन्वेंस द असेंबली इन द मैनर, कन्वेंस द असेंबली इन द मैनर ही हैड प्लान टू कन्वेंस देम। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर से एक बार पढ़ दें, द लीडर ऑफ अपोजिशन हु हैड रेपुटेशन फॉर स्पीच मेकिंग वॉज वेरी मच डिसपॉइंटेड ऑन रियलाइजिंग दैट ही हैड प्लान टू कन्विंस द असेंबली इन द मैनर ही हैड प्लान टू कन्विंस देम। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, 43 लिखा हुआ है, वी कैन थिंक ऑफ ऑफन कंफ्यूज इन अ पब्लिक माइंड विच सजेस्ट द नीड फॉर टू फैक्टर एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। अभी देखो, अगर इस पूरे सेंटेंस को, क्या सेंटेंस पी से शुरू हो सकता है क्या, इस पूरे को पढ़ो, वी कैन थिंक ऑफ ऑफन कंफ्यूज इन द पब्लिक माइंड, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद क्या लिखा है ये कुछ पता नहीं चल रहा, यानी पी से तो शुरू नहीं होगा, पी को हटाओ यहां से, पी अगर शुरू नहीं होगा। फिर देखो यहां पर बोल सकते हैं, अगर क्यू को देखे, क्यू को देखो, विच सजेस्ट द नीड फॉर, क्या हो सकता है, नीड फॉर ऑफन कंफ्यूज इन अ पब्लिक माइंड होगा क्या, नहीं होगा, तो क्यू के बाद तो पी नहीं आएगा। विच सजेस्ट द नीड फॉर टू फैक्टर, या फिर विच सजेस्ट द नीड फॉर एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, बिल्कुल सजेस्ट किया जा रहा है किसको, इंटरनेशनल लैंग्वेज को, तो क्यू के बाद तो ऐसा आएगा। एक तो ये क्लू हमें मिला, तो क्यू के बाद कहां पर आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, और क्यू के बाद यहां नहीं आ रहा, तो ये भी हटा दो। नहीं समझ में आया, फिर से देखो एक दूसरी चीज यहां पर देखो, वी कैन थिंक ऑफ वॉट, इसको फॉलो कौन कर रहा है, इसको सबसे सुटेबल कौन बना रहा है, थिंक ऑफ टू फैक्टर, जैसे हमने बी और डी, बी और सी ऑप्शन देखे, देखा आर आ रहा है और इसको सबसे मोर सुटेबल भी बना रहा है, विच कैन थिंक ऑफ टू फैक्टर, और हमें यहां पर पता है कि क्यू और एस आएगा और आर इसके पहले आएगा, तो यानी ये जो पी है वो यहां पर आएगा, या तो फिर पी यहाँ पे आएगा, है ना। अब देखो क्या हो सकता है, आर पी क्यू एस, यानी अभी हमें कौन सा यहाँ से हटाना है, पी हटाना है, तो पी हटा दो यहाँ से, ये पी हटा दिया, ये पी हटा दिया, देखो ये बन रहा है क्या, आर क्यू एस, आर क्यू एस यहाँ पे बन रहा है, आर क्यू एस यहाँ पे बन रहा है, तो ठीक है, अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट में आ गया, क्योंकि ये दो ऑप्शन तो हट नहीं रहे हैं, है ना। तो क्या किया जाएगा, अब देखो मीनिंग निकालो, वी कैन थिंक ऑफ टू फैक्टर, वी सजेस्ट द नीड फॉर एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, देखो यहां से जो ये क्यू एस है इसकी तो पूरी मीनिंग निकाल के दे रहा है, थिंक करेंगे तभी तो जाके सजेस्ट करेंगे, और जब थिंक करेंगे तभी हम कंफ्यूज होंगे, तो वी कैन थिंक ऑफ टू फैक्टर ऑफन कंफ्यूज इन अ पब्लिक माइंड विच सजेस्ट द नीड फॉर एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी बी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है यहाँ के लिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर सजेस्ट कर दिया है तुमने जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है इसे, तो फिर कंफ्यूजन थोड़ा ना होगी, तो फिर पी बाद में थोड़ा ना आएगा, तो पी पहले रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से करना है। 44 लिखा है, द मैन इज जनरली द वन हु कैन वर्क वेरी हार्ड व्हेन ही मस्ट वर्क, हु कैन प्ले मोस्ट हार्डली व्हेन ही हैज द चांस ऑफ प्लेइंग। अभी यहाँ पर आप देखोगे ये जो एस है, इस एस में क्या क्या आ रहा है, इस एस में आ रहा है हु, व्हेन, और यहां पर भी आप देखोगे हु आया था और व्हेन आया था, यहां पर आया था प्ले और यहां पर आया था प्लेइंग, यहां पर आया है वर्क, यहां पर आया है वर्क, तो पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट भी बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और हमें यह भी दिख रहा है कि एस में तो पूरा एक साथ आ रहा है हु और व्हेन, तो इसी तरीके से क्यू और आर भी एक साथ आएंगे, क्यू और आर एक साथ आएंगे, कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, एक यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और यहाँ पर है, यानी कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपने ये पता लगा लिया कि ये एक साथ रहेगा और एक ये साथ रहेगा, बचा क्या, बचा पी। अब पी अगर बचा है तो इनका मीनिंग निकाल करके देख लूं, अगर इन दोनों को एक साथ रखा जाए, इन दोनों को एक साथ रखा जाए तो क्या मीनिंग निकलेगा, हु कैन वर्क वेरी हार्ड, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, क्यू आर एस इस तरीके से रखा जाए, या फिर एस क्यू आर इस तरीके से रखा जाए, तो क्या मीनिंग निकल रहा है, उसके बेस पे हम पी को एडजस्ट करेंगे। हु कैन वर्क वेरी हार्ड वेन ही मस्ट वर्क,
हु कैन प्ले मोस्ट हार्डली वेन ही हैज द चांस ऑफ प्ले। यहाँ पर मीनिंग नहीं निकल रही है, यानी पी को इन दोनों के बीच में ही आना पड़ेगा, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है ना, या तो क्यू आर पी एस होगा या तो एस पी क्यू आर। नहीं समझ में आया तो इस तरीके से समझो, देखो जनरली द वन तब यूज किया जाएगा जब कोई पर्टिकुलर थिंग पहले से डिस्क्राइब की गई हो और फिर यहाँ पर जनरली द वन लिखा हो, फिर उसके बाद वो पर्टिकुलर चीज फिर से डिस्क्राइब करी हो। अब जैसे यहाँ पर द मैन जो है वो पहले एक बार द मैन जो है, सही से लिखता हूँ, द मैन, ये जो द मैन है वो पहले डिस्क्राइब किया गया होगा या तो इस वाले हु से या तो इस वाले हु से, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि सबसे पहले क्यू आर से शुरू होगा सेंटेंस या तो फिर एस से शुरू होगा। तो क्यू आर से कहाँ पर शुरू हो रहा है, क्यू आर से यहाँ पर शुरू हो रहा है और एस से यहाँ पर शुरू हो रहा है। इनके बीच में क्या आएगा, पी आएगा। इनके बीच में एक बार पी आया तो यहाँ आ सकता है या तो पी यहाँ आ सकता है। तो एस पी क्यू आर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और क्यू आर पी एस यहाँ पे आ रहा है, यानी हमारा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अभी आपको ये मीनिंग निकालनी है कि सी में क्या सेंस निकल रहा है और डी में क्या निकल रहा है। पढ़ते हैं बारी बारी से। देखो द मैन इज जनरली द, सॉरी फिर से पढ़ते हैं, द मैन हु कैन प्ले मोस्ट हार्डली वेन ही हैज द चांस ऑफ प्लेइंग इज जनरली द वन हु कैन वर्क वेरी हार्ड वेन ही मस्ट वर्क। यहाँ पर क्या मीनिंग निकली, ये जो आदमी की बात की जा रही है वो खेल सकता है दिल से जब भी उसको चांस मिलता है खेलने का। वो ऐसा है, जनरली ऐसा है वो, जो कठिन काम कर सकता है, जो कठिन काम कर सकता है जब वो काम जरूर से करता है, जब वो काम जरूर से करता है, ठीक है। तो ये मीनिंग निकली, बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन लग रहा है, कहीं ना कहीं हो जाएगा, है ना। उल्टा देखते हैं, डी में देखते हैं क्या लिख, क्या यहाँ पर मीनिंग निकल रही है। द मैन हु कैन वर्क वेरी हार्ड वेन ही मस्ट वर्क इज जनरली द वन हु कैन प्ले मोस्ट हार्डली वेन ही हैज चांस ऑफ प्ले। देखो यहाँ पर जनरली बात बताई जा रही है कि आदमी ऐसा होना चाहिए, अगर इस तरीके से है तो वो ऐसा होना चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, सी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही होगा। लेकिन बहुत क्लोज है डी ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, ये मान सकते हैं जो CDS 2 2016 में आ रहे हैं क्वेश्चन, अभी हम लोग जो पिछले 3 4 क्वेश्चन किए हैं वो थोड़े से हार्ड है, यानी CDS 2 2016 में ये वाले जो क्वेश्चन था वो हार्ड था। तो इसी बात पे आपको अगला वाला बताना है, अगर ये हार्ड है तो आपको चेक करना है कि कितना हार्ड है, ये आपको ट्राई करना है। आगे चलते हैं। 46 लिखा हुआ है, देर इज नो रीजन दैट लाइफ में एग्जिस्ट इन ग्रेट प्रोफ्यूजन वाई वी शुड नॉट बी विलिंग टू थिंक इन अदर वर्ड। सोचो क्या होगा यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है देर इज अ नो रीजन। नो रीजन के बाद क्या आएगा, नो रीजन को कौन फॉलो कर रहा है, नो रीजन को फॉलो कर रहा है वाई, है ना, वाई। देर इज अ नो रीजन वाई वी शुड नॉट बी विलिंग टू थिंक दैट। अब इसके बाद क्या आएगा, इसको कौन फॉलो कर रहा है, पी। अब थोड़ा सा घूर के देखोगे तो समझ में आएगा, दैट लाइफ में एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, इसके बाद ये भी आ सकता है, दैट लाइफ में एग्जिस्ट इन ग्रेट प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, इन द वर्ल्ड, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देर इज अ नो रीजन वाई, पहले आएगा आर, यानी बी ऑप्शन नहीं होगा, वाई वी शुड नॉट बी विलिंग टू थिंक दैट, यानी पी आएगा, तो सी ऑप्शन देख लो आ रहा है कि नहीं, दैट लाइफ में एग्जिस्ट इन ग्रेट प्रोफ्यूजन इन द अदर वर्ल्ड, बिल्कुल सी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 47 द रीजेंट रिलीज वोल्टियर हैविंग डिस्कवर्ड दैट ही हैड इम्प्रिजेंड एन इनोसेंट मैन एंड गिव हिम अ पेंशन, ठीक है। अभी देखो रिलीज वोल्टियर एंड गिव हिम अ पेंशन, यानी पी की बात तो ऐसी आएगा, कहां पे नहीं आ रहा है, पी एस एस पी ये नहीं होगा, और पी एस ये भी हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट किससे होगा, द रीजेंट रिलीज वोल्टियर एंड गिव हिम अ पेंशन, ठीक है, पूरा यहां पर सेंस निकल रहा है। हैविंग डिस्कवर्ड दैट, इसको देखते हैं इन दोनों को, हैविंग डिस्कवर्ड दैट ही हैड
इम प्रिजन एंड इनोसेंट मैन, यहाँ पर भी बिल्कुल ये मीनिंग निकल रही, यानी सेंटेंस जो है वो पी से शुरू हो सकता है और शुरू हो सकता है आर से, तो शुरू नहीं होगा, देखो आर से है क्या, आर से नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, क्यू से शुरू हो सकता है, और हमें ये पता है कि क्यू के बाद ही आर आएगा। हैविंग डिस्कवर्ड दैट ही हैड इम्प्रिजेंट एन इनोसेंट मैन, उसने ये डिस्कवर किया कि उसने गलत आदमी को, इनोसेंट मैन को पकड़ लिया है, तो क्यू के बाद तो आर ही आएगा। अगर क्यू के बाद आर ही आएगा और पी के बाद एस आएगा, तो कहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है, क्यू के बाद आर और पी के बाद एस, ठीक है, क्यू के बाद आर, ये आर पहले आ रहा था, यानी ये भी नहीं होगा, क्यू के बाद आर और पी के बाद एस, डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ लेते हैं एक बार, द रीजेंट हैविंग डिस्कवर्ड दैट ही हैड इम्प्रिजेंट एन इनोसेंट मैन रिलीज वोल्टेयर एंड गिव हिम अ पेंशन, बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा। आगे चलते हैं, 48 लिखा हुआ है, विच इज सोल्ड फॉर इट्स हॉर्न, द राइनोसोर इज हंटेड बाई पॉचर एट हाई प्राइस। अब आप इसको बिना ऑप्शन देखे कर सकते हो क्योंकि बहुत ईजी है, कॉमन है, राइनोसोर इज हंटेड बाई पॉचर फॉर इट्स हॉर्न, ठीक है, तो पहले हो जाएगा राइनोसोर इज हंटेड बाई पॉचर फॉर इट्स हॉर्न विच इज सोल्ड, अब हॉर्न को कौन स्पेसिफाई कर रहा है, विच, विच इज सोल्ड एट वेरी हाई प्राइस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर क्यू पी एस, कहां पर आ रहा है, आर क्यू पी एस, सी ऑप्शन में आ रहा है। क्या मीनिंग निकली, जो राइनासोर होता है वो हंट किया जाता है प्रोचर के द्वारा, इसलिए उसकी हॉर्न के द्वारा, हॉर्न के लिए, सॉरी, हॉर्न के लिए वो हंट किया जाता है प्रोचर्स के द्वारा, हॉर्न क्या होती है, जो उसकी सींग होती है आगे, है ना, जो कि बिकती है बहुत ही हाई प्राइस पर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना, समझा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है, एज इन्वायरमेंटल टूल्स फॉर मिलिट्री पर्पस आर फाइंडिंग वेरियस न्यू यूजेस, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर इनिशियली कंसीव, क्या सेंटेंस पी से शुरू होगा, क्या नहीं शुरू होगा, क्या सेंटेंस क्यू से शुरू होगा, क्या नहीं शुरू होगा, क्या सेंटेंस आर से शुरू होगा, क्या आर फाइंडिंग, बिल्कुल भी नहीं शुरू होगा, एस से देखते हैं, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर इनिशियली कंसीव्ड फॉर मिलिट्री पर्पस आर फाइंडिंग वेरियस न्यू यूजेस एज अ इन्वायरमेंटल टूल्स, बिल्कुल एज अ इन्वायरमेंटल यूजेस फॉलो कर रहा है किसको, हर को, बिल्कुल यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, दूसरी तरीके से भी करते हैं वो भी हमारा हो जाता है। 50 नंबर लिखा हुआ है, इज अ पेनफुल फीलिंग विदाउट दिस इनडायरेक्ट अपील टू अवर सेल्फ लव, द सेंस ऑफ इनफेरिटी इन अदर एंड नॉट एन एक्सल्टिंग वन, एक्सल्टिंग का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, एक्सल्टिंग वन आ गया है तो ये एक तरीके से सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, जैसे यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अगर ये दोनों सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो ये पहले शुरू होंगे, और हमें दिख भी रहा है कि इस से शुरू नहीं होगा, विदाउट से शुरू नहीं होगा, एंड से शुरू नहीं होगा, यानी आर से सिर्फ शुरू होगा, आर से दो ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन हटा दो पहले, तो क्या होगा, द सेंस ऑफ इन्फिनिटी इन अदर एंड नॉट एन एक्सल्टिंग वन इज अ पेनफुल फीलिंग, इज अ पेनफुल फीलिंग, और फीलिंग को डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पर, विदाउट दिस इनडायरेक्ट अपील टू आवर सेल्फ लव, आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू, बी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, डी ऑप्शन देख लेते हैं, पहला नंबर ये आएगा, दूसरा नंबर ये आएगा, और तीसरा नंबर ये आएगा, चौथा नंबर ये आएगा, द सेंस ऑफ इन्फिनिटी इन अदर विदाउट दिस इनडायरेक्ट अपील टू आवर सेल्फ लव एंड नॉट एन एग्जिस्टिंग वन इज अ पेनफुल फीलिंग, ये बीच में कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक बार आप पढ़ोगे इत्मीनान से बैठ करके आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, सीडीएस 1 2017 की तरफ, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही ऑलमोस्ट प्लान द इंटायर स्ट्रेटजी ऑफ ऑपरेशन सिंगल हैंडेड, तो यहाँ पर स्टार्ट किससे होगा, जो सेंटेंस है हमारा ही से स्टार्ट होगा क्योंकि ही सब्जेक्ट की तरीके से काम कर रहा है, उसके बाद इसकी जो वर्ब है वो प्लांड होगी, है ना, तो पी आर होगा, ये तो हमें पता चल गया कि पी आर होगा, कहाँ पर है पी आर, ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है, आगे वाला यहाँ पर मैच कर लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके है बाद है क्यू फिर है एस, तो ही प्लान द इंटायर स्ट्रेटजी ऑफ ऑपरेशन
ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड, बिल्कुल उसने अपने आप से ही प्लान कर ली जो इंटायर स्ट्रेटजी ऑफ ऑपरेशन था उसे। तो बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है इट इज अ फैक्ट दैट राइस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिलिक देन ऑलमोस्ट एनी अदर क्रॉप यील्डिंग अ ग्रेटर रिटर्न्स पर एकर ऑफ फूड क्रॉप्स। तो यहाँ पर इजी है, कर सकते हो। इट इज द फैक्ट, इसी से ही शुरू होगा सेंटेंस, इट इज द फैक्ट दैट राइस, क्योंकि अगर इससे स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर ये इनकम्प्लीट है। और यहाँ पर हमें एक चीज और देखने को मिल रही है कि वन ऑफ द मोस्ट इसके बाद ही देन आएगा, तो कहीं ना कहीं पी के बाद ही क्यू आएगा। अगर क्यू पहले है तो उसको हटा दो, यहाँ पहले है, यहाँ पहले है, इसको हटा दिया है ना। यील्डिंग अ ग्रेटर रिटर्न पर एकर ऑफ अ फूड क्रॉप, यहाँ पर देखो वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिलिक, प्रोफिलिक मतलब उपजाऊ, वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिलिक उपजाऊ ऑफ द फूड क्रॉप है ना। तो कहीं ना कहीं पी के बाद ही ऐसा आएगा, पी के बाद ऐसा आएगा, यानी पी एस क्यू इस तरीके से चलेगा। कौन से ऑप्शन में है, पी एस क्यू यहाँ पर भी है और पी एस क्यू यहाँ पर भी है। अब बात बची आर की, अब इसको कहाँ फिट किया जाए, फिर से पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं। देखा हुआ इट इज अ फैक्ट दैट राइस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिलिक ऑफ द फूड क्रॉप यील्डिंग अप ग्रेटर रिटर्न्स पर एकर देन ऑलमोस्ट एनी अदर क्रॉप, यानी आर इसके बीच में फिट होगा, आर यहाँ पे फिट होगा। कहाँ पर आर यहाँ पर फिट हो रहा है, डी ऑप्शन में हो रहा था, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, समझ में है ना। ऑफ फूड क्रॉप यील्डिंग अ ग्रेटर रिटर्न पर एकर, पर एकर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रेटर रिटर्न है अगर उसको कंपेयर किया जाता है किसी और क्रॉप से। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है अप टू द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी नॉट ओनली बिकॉज इट वॉज ऑफ एन फैटल स्मॉल पॉक्स वॉज अ पर्टिकुलर ड्रेड डिसीज बट ऑल्सो बिकॉज दोज हु रिकवर्ड वर परमानेंटली डिसफिगर्ड। अब हमें यहाँ पर एक चीज देखने को मिली, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब पी के बाद ही आर आएगा, जहां पर इसके पहले ना आ रहा हो उसको हटा दो। पी आर ई आर है, ठीक है, आर पी आर आई ये तो कहते ही नहीं होगा, पी आर ये हो सकता है और पी आर ये हो सकता है, बी ऑप्शन तो हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है। अच्छा अगर मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ, अगर मैं इस पूरे को लेकर के चलता हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा पोर्शन है ना। देखा हुआ अप टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी नॉट ओनली बिकॉज इट वॉज ऑफ एन फैटल, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज बताने की कोशिश की जा रही है जो पहले से इसके बारे में कुछ ना कुछ बताया जा चुका है ना। नॉट ओनली बिकॉज इट वॉज ऑफ एन फैटल, इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसके पहले कुछ ना कुछ बताया गया हो। अभी हमें पता है कि पी के पहले आर नहीं आ सकता है, क्योंकि आर आया जो है वो पी के बाद ही आया है, तो इसका मतलब ये है कि पी के पहले या तो क्यू रहा होगा या तो एस रहा होगा, दोनों को एक बार बैठा के देख लो, क्या सेंटेंस ऐसे शुरू होगा, क्या ऐसे तो शुरू नहीं होगा, शुरू होगा क्यू से ही शुरू होगा है ना। तो हमें एक चीज और पता चल गई कि क्यू पी आर, मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, क्यू पी आर हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। तो एस को अभी हटा दो, ऑप्शन से एस को हटा दो, और यह तो हमने काट ही दिया था पहले, इसको भी हटा दो, एस ये भी हटा दो। अभी देखो क्यू पी आर कहाँ पे आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसको हटा दो, यहाँ भी नहीं आ रहा है, क्यू पी आर ये आ रहा है, तो ये बार हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार पढ़ के देख लेते हैं डी ऑप्शन के साथ। स्मॉल पॉक्स वॉज अ पर्टिकुलर ड्रेड डिसीज अप टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी नॉट ओनली बिकॉज इट वॉज ऑफ एन फैटल बट ऑल्सो बिकॉज दोज हु रिकवर्ड वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड। बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल अच्छा बैठ रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, अ पर्सन बीटन बाय अ रैबिट डॉग वुड बी अ सीज बाय वायलेंट सिम्टम आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ अ मंथ और टू एंड डाई एन एगोनाइजिंग डेथ। एगोनाइजिंग का मतलब होता है बहुत ही दर्दनाक डेथ, रैबिट डॉग का मतलब होता है पागल कुत्ता, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जो पनपने की स्थिति होती है, जैसे कि जैसे मान लो अंडा है, वो उसके अंदर की जो प्रोसेस होती है जब अंडा बनता है ना, उसके अंदर की जो प्रोसेस होती है वो इंक्यूबेशन पीरियड होगा बेसिकली, ठीक है। आई होप समझ गए होगे इसको। अ सेंटेंस शुरू किससे होगा, अ पर्सन बीटन बाय अ रैबिट डॉग, ठीक है, वुड बी इससे तो शुरू नहीं होगा, आफ्टर अ इंक्यूबेशन इससे भी नहीं शुरू होगा और इससे भी नहीं शुरू होगा, यानी पी से ही शुरू होगा, तो इसको हटा दो, एस वाले को हटा दो है ना, और पी वाले हैं। अ पर्सन बीटन बाय एन रैबिट डॉग वुड बी सीज्ड बाय वायलेंट सिम्टम आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ अ मंथ और टू, बिल्कुल सही लग रहा है यहाँ तक, एंड डाई
एन आइगोनाइज डेथ, यानी पी क्यू आर एस ही यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, पी क्यू आर एस जो हम लोग कर रहे हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है अ ट्रेवलर सैट डाउन टू रेस्ट बाय द रोड साइड बीइंग वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा थका हुआ, है ना। सैट डाउन टू रेस्ट, हमें पता है यहाँ पर कि पी के बाद ही क्यू आएगा, बाय द रोड साइड ये आर हो जाएगा, और बीइंग वेरी, वेरी मतलब होता है थका, जो ट्रेवलर है वो कैसा है, बीइंग वेरी है, यानी ये एस सबसे पहले आएगा, एस पी क्यू आर हो जाएगा। एस पी क्यू आर कहाँ है, सी ऑप्शन में है। ट्रेवलर कैसा है, बहुत ही थका हुआ है, वो जाके बैठ जाता है क्या करने के लिए, टू रेस्ट बाय द रोड साइड, रोड के बिल्कुल बगल में, तो एस पी क्यू आर हो जाएगा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है द हाउस वॉज अवे विद इट्स लवियस्ट मेंबर ग्लूमी, हाउस कैसा है, ग्लूमी है, यानी बहुत ज्यादा खाली खाली सा है, हाउस कैसा है, बहुत ज्यादा खाली खाली सा है, विद इट्स लवियस्ट मेंबर अवे, जब जो लवियस्ट मेंबर हैं, जो उसमें रहने वाले लोग हैं वो जब बाहर रहते हैं, तो हाउस कैसा होता है, बहुत ग्लूमी होता है, बिल्कुल खाली खाली सा होता है, तो क्या हो जाएगा, पी एस आर क्यू, कहाँ पे आ रहा है, पी एस आर क्यू, बी ऑप्शन में आ रहा है, ये तो सिंपल है मेरे हिसाब से। तो 7 नंबर लिखा हुआ है, ही वॉज अ थिनी मैन विद अ स्प्राइटली वॉक, टॉल बेयरली 5 फीट, 5 फीट टॉल, यहाँ तो दिख रहा है यहाँ क्लियरली, ये 5 फीट टॉल होगा, यानी एस के बाद आर आएगा, कहाँ पर आ रहा है, इसके बाद ये आर एस है, इसको काट दो, एस आर आ रहा है, एस आर आ रहा है, और एस आ रहा है, यानी एक ऑप्शन ए तो हटा दिया, ठीक है। वो आदमी कैसा था, बहुत थिन था, मुश्किल से 5 फीट का रहा होगा, तो यानी पी के बाद ही एस आर आएगा, पी के बाद एस आर आर, एस और आर आएगा, ठीक है, कहाँ पर आ रहा है, पी एस आर, यानी क्यू को हटा दो अभी के लिए, क्यू क्यू को हटा दे, पी एस आर, पी एस आर यहाँ पर आ रहा, सिर्फ डी ऑप्शन में आ रहा, तो डी ऑप्शन यहाँ से राइट ऑप्शन होगा। अब क्या मीनिंग निकल रहा है डी ऑप्शन से, ही वॉज अ थिनी मैन बियरली 5 फीट टॉल विद अ स्प्रेटली वॉक, जो आदमी था वो किस तरीके से, बहुत थिन था, मुश्किल से 5 फीट हाइट थी उसकी, और किस तरीके से चल रहा था, विद स्प्रेटली वॉक, उसकी वॉक कैसी थी, बहुत तेजी तेजी से चल रहा था, है ना, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, रूल एंड रेगुलेशन ही चीयरफुली इग्नोर्ड इट्स डिमांड, अ लाइफ ऑफ अनअकस्टम्ड टू, अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर शुरू कैसे होगा, यहाँ पर शुरू होगा ही चीयरफुली इग्नोर्ड से, ठीक है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। आगे देखो क्यू को कौन फॉलो कर रहा है, ही चीयरफुली इग्नोर इट्स डिमांड, पी क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन, बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसको जोड़ नहीं रहा है ना, डिमांड्स ऑफ रूल एंड रेगुलेशन होता तो बिल्कुल हो जाता, लेकिन ऑफ यहाँ तो है नहीं, डिमांड्स अ लाइफ ऑफ, ये भी हो सकता है, आर हो सकता है, क्यू के बाद आर हो सकता है, यानी ये वाला ऑप्शन हो सकता है, डिमांड्स अकस्टम टू, ये तो नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन तो नहीं होगा, तो बी हो सकता है, बी को अब यहाँ पर मीनिंग निकालो, लिखा हुआ ही चीयरफुली इग्नोर्स इट्स डिमांड, अ लाइफ ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अकस्टम टू, नहीं यहाँ पर कुछ दिक्कत लग रही है, पी के बाद एस कुछ ठीक नहीं बैठ रहा है, ही चीयरफुली इग्नोर्स इट्स डिमांड, अ लाइफ ऑफ रूल एंड रेगुलेशन अकस्टम टू, बिल्कुल भी नहीं, अगर इसके बाद कॉमा भी लगा दें तो भी यहाँ पर नहीं बन रहा है ना, तो ये तो होगा नहीं, यानी बी ऑप्शन तो होगा नहीं, बी ऑप्शन नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो क्यू है ये लास्ट वाला पोर्शन है सेंटेंस के, ये स्टार्टिंग वाला नहीं है, अगर ये लास्ट वाला है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये है लास्ट वाला। अब सी को देखो, सी को पकड़ो, क्या है, एस है सबसे पहले, अकस्टम टू अ लाइफ ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, फिर इसके बाद कॉमा लगेगा, ही चेयरफुली इग्नोर्स इस डिमांड, बिल्कुल यहाँ पर क्या मीनिंग निकाला है, अकस्टम टू, यानी वो आदी नहीं है किसका, अपनी लाइफ के रूल और रेगुलेशन का, ही चेयरफुली इग्नोर्स इस डिमांड, इसलिए वो क्या करता है, उसने चेयरफुली इग्नोर किया अपनी डिमांड को, कुछ इस तरीके का यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से पहचानना है कि कब चीजें सही नहीं होंगी और कब चीजें सही होंगी, लास्ट में मीनिंग निकालोगे। आगे चलते हैं, 9 नंबर देखते हैं, लिखा है द मैन फॉर अ मोमेंट लुक्ड एट मी एंड दस इम्पटीड माई पॉकेट टर्ड मी अपसाइड डाउन, अगर आर और एस को देखोगे तो यहाँ पर पता चल रहा है, इसका मतलब है उसने मेरी जेब उल्टा कर दी, मतलब खाली कर दी, उसने मेरी जेब खाली कर दी, इम्पटी कर दी, टर्न मी अपसाइड डाउन, मुझे उल्टा करके उसने मेरी जेब खाली कर दी,
तो इसका इन दोनों का मतलब ये है, तो एस के बाद ही आर आएगा, कि उसने मुझे अपसाइड डाउन किया, मुझे उल्टा किया और मेरी जेब खाली कर दी, यानी एस के बाद आर आएगा। एस एस के बाद आर कहाँ आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसके बाद एस आर आ रहा है, यहाँ पर एस आ रहा है, यानी सी और डी हो सकता है बिल्कुल। अभी इन दोनों को देखो, द मैन फॉर अ मोमेंट लुक एट मी, बिल्कुल आपको पता है कि क्यू के बाद ही पी आएगा, द मैन लुक एट मी फॉर अ मोमेंट, है ना। तो क्यू के बाद पी, क्यू के बाद पी कहाँ आ रहा है? क्यू के बाद पी यहाँ आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, सी ऑप्शन बचा। इसको देख लो, द मैन लुक एट मी फॉर अ मोमेंट, फिर इसके बाद देखो कॉमा लगा है, कॉमा लगा है, टर्न मी अपसाइड डाउन एंड दस इम्पटीड माई पॉकेट, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक बैठ रहा है, कि वो आदमी मुझे देख रहा था फॉर अ मोमेंट, उसके बाद कॉमा लगेगा, टर्न मी अपसाइड डाउन, मुझे उल्टा कर लिया, एंड दस इम्पटीड माई पॉकेट, जैसे मेरी पॉकेट खाली कर दिया। आगे चलते हैं, दस नंबर देखते हैं, लिखा हुआ है द लेडी टूडे इज विजिटिंग अस हु कंपोज दिस पोएम। आई होप ये सबको पता होगा, इसमें कोई यहाँ पर ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, सबसे ईजी है अभी तक का। द लेडी हु कंपोज दिस पोएम इज विजिटिंग अस टूडे, तो क्या बोला मैंने, द लेडी हु कंपोज दिस पोएम इज विजिटिंग अस टूडे। तो एस क्यू आर पी, एस क्यू आर पी कहाँ आ रहा है? एस क्यू आर पी बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप छोड़ भी सकते थे, क्योंकि इसको तो कहीं भी पटक सकते हो ना उठा करके, ये कहीं भी चला जाता, बट डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने कर लिया, तो फर्जी में बाकी सारी चीजों में नहीं उलझेंगे, आगे चलेंगे। देखा हुआ, एनिमल्स आर एबल टू मेजर द पासिंग ऑफ सेशन चेंजेस इन डे एंड नाइट बाई रिकॉग्नाइजिंग, बिल्कुल यहाँ पर पता चल रहा है, एनिमल से शुरू हो रहा है, एनिमल्स आर एबल टू मेजर द पासिंग ऑफ सीजन, सीजन चेंज इन डे नाइट बाई रिकॉग्नाइजिंग चेंज इन डे एंड नाइट, है ना। तो क्या हो जाएगा, एनिमल्स आर एबल टू मेजर द पासिंग ऑफ सेशंस बाई रिकॉग्नाइजिंग चेंजेस इन डे एंड नाइट, तो पी क्यू एस आर हो जाएगा, ये भी इजी था, पी क्यू एस आर कहाँ पे है, पी क्यू एस आर ए ऑप्शन में है। आगे चलते हैं, देखो, मैनी पीपल इन ऑडिबल टू अदर्स इन द ईयर और हेड सफरिंग परसिस्टेंट नॉइस विद हियरिंग प्रॉब्लम। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि सुनने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, ईयर और हेड की बात की जा रही है, इन ऑडिबल टू अदर है यहाँ पे, और हियरिंग प्रॉब्लम है। तो ये जो ये लोग कैसे हैं, ये लोग हैं जिनके पास सुनने की प्रॉब्लम है, और यहाँ पर हमें दिख भी रहा है मैनी पीपल विद हियरिंग प्रॉब्लम, यानी सेंटेंस शुरू होगा एस से, सेंटेंस शुरू होगा एस से, सिर्फ एक ही एस, इसको बैठा लो, इसको फॉलो करवा लो, देख लो आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। मैनी पीपल विद हियरिंग प्रॉब्लम सफर परसिस्टेंट नॉइस, परसिस्टेंट नॉइस का मतलब होता है लगातार या फिर बहुत ज्यादा, है ना, परसिस्टेंट नॉइस इन द ईयर और हेड इन ऑडिबल टू अदर, बिल्कुल ये हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। क्या मतलब है, बहुत सारे लोग जिनको सुनने की प्रॉब्लम है वो सफर करते हैं परसिस्टेंट नॉइज इन ईयर और हेड, उनके दिमाग में हमेशा परसिस्टेंट नॉइज चलती रहती है, यानी लगातार एक नॉइज चलती रहती है, उसके बाद कॉमा लगेगा, बोलेंगे इन ऑडिबल्स टू अदर, जो दूसरों को सुनाई नहीं देती है, इसका ये मतलब निकल रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग या फिर लगातार। आगे चलते हैं, लिखा हुआ, रिसर्चर फाउंड दैट एलर्जिक रिएक्शन आर ब्रॉट अबाउट इन द ब्लड स्ट्रीम इन 1940s बाय द लिबरेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड हिस्टामिन। तो हिस्टामिन क्या मतलब है, हिस्टामिन का देखो, रिसर्चर ने फाउंड किया है दैट एलर्जिक रिएक्शन आर ब्रॉट अबाउट, बॉट अबाउट इसको कौन फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है बॉट अबाउट बाय लिबरेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड हिस्टामिन इन द ब्लड, और एस को फॉलो कर रहा है क्यू, इसका मतलब क्यू आएगा एस के बाद, तो पी एस क्यू ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है ना। मीनिंग क्या निकल रहा है इस पूरे स्ट्रक्चर का, जो रिसर्चर है उन्होंने फाउंड किया है एलर्जिक रिएक्शन को आर बॉट, जो कि आती है किस तरीके से, बाय लिबरेशन, यानी निकलता है
अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जिसको हिस्टामिन कहते हैं, ठीक है, जिसको हिस्टामिन कहते हैं, ये उन्होंने फाउंड किया है। कब फाउंड किया है? इन 1940s। तो इसको या तो सबसे पहले लगाओगे या तो सबसे बाद में लगाओगे, है ना, इन द ब्लड सेल। ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? इन द ब्लड सेल में होती है, तो ये इसके जस्ट बाद में होगा, इसलिए देखो जस्ट सब बाद में आया है। तो या तो पी एस क्यू, ये सबसे पहले आएगा यहाँ पे आर, या फिर आएगा यहाँ पे आर, पी एस क्यू सबसे बाद में। अब देख लो ये ऑप्शन कहाँ पर ही मिल रहा है, तो पी एस क्यू देखेंगे सबसे पहले। तो आर हटा दो, आर हटा दो यहाँ से, ये आर बीच में आ रहा है, चलो ठीक है इसको भी यहाँ पे अभी हटा दो, अभी के लिए हटा दो। ये देखो पहले पी एस क्यू कहाँ पर मिल रहा है, पी एस क्यू एक तो यहाँ पर मिल रहा है, क्यू पी एस यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्यू पी एस ये भी नहीं होगा, पी एस क्यू, यानी दो ऑप्शंस में भी हमको देखने को मिल गया है ना। अभी यहाँ पर आर देखो, इसमें आर पहले भी आ रहा है और बाद में भी आ रहा है। अब यहाँ पर मोस्ट सुटेबल क्या होगा, ये मोस्ट सुटेबल ये होगा कि इन दी 40s इसको आगे लगाया जाए, इन दी 40s, यानी ये जो पहला वाला है ये हमारा राइट ऑप्शन बनेगा, है ना। अब पढ़ के देखो, इन दी 40s फाउंड दैट एलर्जिक रिएक्शन आर ब्रॉट अबाउट बाय द लिबरेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड हिस्टामिन इन द ब्लड सेल, ठीक है। तो इसको आगे लगाओगे तो ज्यादा सही लगेगा ये, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, लिखा हुआ है अटेम्प्ट्स टू ट्रांसप्लांटिंग अदर ऑर्गन बट दैट विच मोस्ट कॉट बाई पब्लिक फैंसी वॉज द हार्ट ट्रांसप्लांट सच एज द लंग्स और द लीवर हैव बीन मेड, ठीक है। अभी देख पा रहे हो कि ये जो पी है, पी को फॉलो कर रहा है क्यू, यानी जो पी के बाद आएगा वो क्यू आएगा। बट इसका मीनिंग क्या है, बट दैट विच मोस्ट कॉट द पब्लिक फैंसी वॉज हार्ट ट्रांसप्लांट, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है, पब्लिक फैंसी है, यानी लोग जिसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वॉज द हार्ट ट्रांसप्लांट, वो हार्ट ट्रांसप्लांट है ना, यानी पी के बाद क्यू आएगा। शुरू किससे होगा, आपको इतना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एट ट्रांसप्लांटिंग अदर ऑर्गन, इसके बाद तो ये होगा नहीं, और यहाँ पर इसको फॉलो भी नहीं कर रहे, तो क्या होगा, अटेम्प्ट द ट्रांसप्लांटिंग अदर ऑर्गन सच एज लंग्स और लीवर, यानी आर से शुरू होगा, आर से दो शुरू हो रहे हैं, इनको हटाओ इसको हटाओ, ये आर से शुरू हो रहा है तो ये नहीं हटेगा, ये हट जाएगा, बी और सी हो जाएगा, है ना, बी और सी बचा, ये हटाओ, बी और सी आएगा। और हमें पता है कि पी के बाद क्यू आएगा, पी के बाद क्यू कहाँ आ रहा है, पी के बाद क्यू यहाँ आ रहा है, पी के बाद क्यू यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इनका काम देखो, यहाँ तक तो फिक्स कर लिया, अटेम्प्ट एट ट्रांसप्लांटिंग अदर ऑर्गन सच एज लंग्स और लीवर हैव बीन मेड, ये चीजें हो चुकी हैं। आर एस तक क्या मतलब है कि ये जो अटेम्प्ट है ट्रांसप्लांटिंग अदर ऑर्गन्स का, जैसे कि लंग्स और लीवर जो हो चुके हैं, हैव बीन मेड, उसमें से जो पब्लिक फैंसी है, यानी जो पब्लिक को अच्छा लगता है, वो क्या है, वो हार्ट ट्रांसप्लांट है ना। तो यहाँ पर ये जो एस है वो क्या, वो कहाँ पर आएगा, वो आर के बाद आएगा, तो आर एस पी क्यू हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन, आर एस पी क्यू। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, आर एस पी क्यू बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर लिखा हुआ है, स्पोर्ट कार अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली विद नॉइजी एग्जॉस्ट। अब यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रहा है, तो इजी है कि जो कार है, स्पोर्ट्स कार है, कैसी, विद नॉइजी एग्जॉस्ट, जिनका नॉइजी एग्जॉस्ट है, जिनका एग्जॉस्ट बहुत शोर करने वाला है, ऐसी कारें अपील करती हैं, यानी आकर्षित करती हैं, टू सम मोटरिस्ट ओनली, वो केवल जो मोटरिस्ट हैं उनको ही आकर्षित करती हैं। तो क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स कार विद नॉइजी एग्जॉस्ट अपील टू सम मोटरिस्ट ओनली, पी एस क्यू आर, कहीं पर आ रहा है क्या, पी एस क्यू आर बी ऑप्शन में आ रहा है, बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, 16 नंबर, फ्रेंडशिप हैज इट्स प्लेस इन ट्रूथ एंड जस्टिस जस्ट इट कैन ओवर राइड लाइफ, ये भी इजी है, फ्रेंडशिप हैज इट प्लेस इन इन व्हाट लाइफ, एस फॉलो कर रहा है पी को, तो पी के बाद एस आएगा, बट इट कांट बी ओवर राइड ट्रूथ एंड जस्टिस, ये तो इजी था, पी एस बट, तो ये हो जाएगा आर, इट कैन नॉट ओवर राइड ट्रूथ एंड जस्टिस, क्यू सबसे बाद में आ जाएगा, पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर लिखा हुआ है, द वर्कहोलिक ऑफन बिकम अ प्रिजनर ऑफ सक्सेस इन एडवर्टेंटली रीपिंग ग्रेटर एंड ग्रेटर रिवॉर्ड,
अभी यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि पी के बाद तो क्यों आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये देखने को मिल रहा है कि जो वर्कहोलिक होते हैं वो प्रायः क्या हो जाते हैं, प्रिजनर ऑफ सक्सेस हो जाते हैं, है ना। और यहाँ पर भी बहुत बड़ी मीनिंग हमें मिल रही है, रिपिंग ग्रेटर एंड ग्रेटर रिवॉर्ड्स, यानी ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड्स उनको मिलते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, जब उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड मिलते हैं तो वर्कहोलिक ऑफन क्या हो जाते हैं, प्रिजनर ऑफ सक्सेस हो जाते हैं, है ना। तो यानी एस आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू आएगा। तो ये देख लो, आर को अभी छोड़ो, तो आर को हम छोड़ देते हैं, ये आर हटाया, ये आर हटाया, ये आर हटाया और ये आर हटाया। तो एस पी क्यू देखो, एस पी क्यू ये हो सकता है, एस पी क्यू ये भी हो सकता है, पी क्यू एस ये नहीं होगा, पी क्यू एस ये भी नहीं होगा। अभी दो ऑप्शन बचे, ठीक है, दो ऑप्शन बचे, ए वाला और बी वाला। आर देखो एक बार यहां पर लगा हुआ है, आर कहाँ पर लगा हुआ है, पी और क्यू के बीच में लगा हुआ, यहाँ पर लगा हुआ है, और इसमें आर क्या है, सबसे बाद में लगा हुआ है, ठीक है। अगर इसको बीच में लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे पी और क्यू के बीच में, तो आपको पता है ऑफेन क्या है, ऑफेन भी तो एक एडवर्ब है, ये आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है कि नहीं, और इन एविडेंटली ये भी आपकी एडवर्ब है, तो दोनों एडवर्ब एक साथ नहीं लगेंगी, इसको बाद में लगाएंगे, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर पहले होगा एस पी क्यू और आर, रीपिंग ग्रेटर एंड ग्रेटर रिवॉर्ड्स, जब ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलने लगते हैं, द वर्कहोलिक ऑफन बिकम्स अ प्रिजनर ऑफ सक्सेस इन एविडेंटली, ठीक है, यानी आमतौर पर ऐसा होता है। इन एविडेंटली मतलब क्या होता है, आमतौर पर। आगे चलते हैं, 18 नंबर क्या लिखा हुआ है, द स्कूल मास्टर एंड द प्रोफेसर टेंडेड टू बिलीव दैट इनेट इंटेलिजेंस इज अ क्वालिटी। अब यहाँ पर आपको पहले से देखने को मिल रहा है कि ये सारी चीजों को किसमें बताया जा रहा है, दैट से बताया जा रहा है आगे, है ना। तो यानी पी के बाद फिक्स है कि क्यू आएगा, पी के बाद फिक्स है क्यू आएगा, पी के बाद फिक्स है क्यू यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं, यानी सी ना कहीं बन सकता है राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, बट दैट यू कांट डू मच अबाउट इट एक्सेप्ट मेजर इट, यू कांट यानी पहले से कुछ चीज बता रखी है ना, यानी आर से शुरू नहीं होगा सेंटेंस, आर से तो शुरू नहीं होगा, देखो आर से शुरू भी नहीं हो रहा था यहाँ पे। विच वेरीज वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर्स, बिल्कुल इस क्वालिटी को कहाँ पर बताया जा रहा है, इस क्वालिटी को यहाँ पर बताया जा रहा है विच से, है ना। जैसे कि इस पूरे को बताया जा रहा था दैट इन इनेट इंटेलिजेंस इज अ क्वालिटी, और क्वालिटी को बताया जा रहा है विच वेरीज वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर, बट दैट यू कांट डू मच अबाउट इट एक्सेप्ट मेजर इट, तुम कुछ नहीं कर सकते बिना इसको मेजर मेजर कर सकते हो, लेकिन और कुछ नहीं कर सकते, है ना, कुछ इस तरीके से मीनिंग निकल रही है। तो कहीं ना कहीं सी ऑप्शन ही बनेगा, पी फिर उसके बाद है क्यू, फिर है एस, फिर आर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला है पी क्यू एस और फिर आर, ठीक। द स्कूल मास्टर एंड प्रोफेसर टेंड टू बिलीव, वो बिलीव करते हैं, जो स्कूल मास्टर है और प्रोफेसर है वो बिलीव करते हैं कि दैट इनेट इंटेलिजेंस इज अ क्वालिटी, इनेट यानी जो पहले से हमारे पास इंटेलिजेंस है, इज अ क्वालिटी, वो ऐसी क्वालिटी है विच वेरीज वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर, जो एक से दूसरे में अलग अलग रहती है, बट लेकिन दैट यू कांट डू मच, हम कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट मेजर इट, है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, 19 नंबर लिखा हुआ है, पीपुल डू नॉट रियलाइज दैट मॉडर्न सोसाइटी हु ऑब्जेक्ट टू ड्राइव एजुकेशन इज बिल्ड अराउंड द ऑटोमोबाइल। अभी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है डू नॉट रियलाइज दैट, है ना, यानी पी को फॉलो कर रहा है क्यू, या क्यू को फॉलो कर रहा है पी, कुछ भी बोल सकते हो, यानी पी के बाद आएगा क्यू, पी के बाद क्यू कहाँ आ रहा है, पी के बाद क्यू यहाँ आ रहा है, ये क्यू पहले आ रहा था यानी ये नहीं होगा, और पी के बाद क्यू यहाँ आ रहा है, पी के बाद क्यू यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसको देखो कौन फॉलो कर रहा है, डू नॉट रियलाइज दैट मॉडर्न सोसाइटी हु ऑब्जेक्ट टू ड्राइव एजुकेशन, या फिर डू नॉट रियलाइज दैट मॉडर्न सोसाइटी इज बिल्ट अराउंड द ऑटोमोबाइल। पी क्यू एस यहाँ पर सही लग रहा है और यही होगा ही, पी क्यू एस, पी क्यू एस कहाँ पे है, पी क्यू एस एक तो यहाँ पे है और कहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा, पी क्यू एस यहाँ पे है, ठीक है। अब देखना है आर को पहले लगाएं कि बाद में लगाएं, तो पीपुल डू नॉट रियलाइज दैट मॉडर्न सोसाइटी इज बिल्ट अराउंड द ऑटोमोबाइल हु ऑब्जेक्ट टू ड्राइव एजुकेशन, नहीं, पीपुल हु ऑब्जेक्ट टू ड्राइव एजुकेशन डू नॉट रियलाइज दैट मॉडर्न सोसाइटी इज बिल्ट अराउंड द ऑटोमोबाइल, यानी आर जो है वो पहले आएगा, क्योंकि ये जो हु है
ये किसके लिए बात की जा रही है, ये पीपल के लिए बात की जा रही है। तो पीपल के बाद आएगा हु, तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आर पहले आएगा। पीपल हु ऑब्जेक्ट टू ड्राइव एजुकेशन डू नॉट रियलाइज दैट मॉडर्न सोसाइटी इज बिल्ड अराउंड द ऑटोमोबाइल। आई होप समझ में आया होगा। अगले चलते हैं, 20 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है विद एन आइडिया टू रीच द डिप्राइव चिल्ड्रन बाई द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, द ईयर 1979 हैज बीन डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। सेंटेंस बड़े बड़े हैं तो यहाँ पर अगर मीनिंग निकालते हैं तो ईजी हो जाएगा। निकालते हैं, विद द आइडिया टू रीच द डिप्राइव चिल्ड्रन, ये जो आइडिया है कि पहुंचना है डिप्राइव चिल्ड्रन के पास, बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड यूएनओ के द्वारा, द ईयर 1979 हैज बीन डिक्लेयर, जो 1979 है ये ईयर डिक्लेयर कैसे किया गया है, एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ चिल्ड्रन, यानी आर के बाद तो ऐसे ही आएगा, आर एस ये आ रहा है, आर एस ये नहीं आ रहा है, आर एस यहाँ पे आ रहा है, आर एस यहाँ पे आ रहा है, तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, डायरेक्ट यहां पर ही करना चाहो तो भी कर सकते हो। क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं विद द आइडिया टू रीच द डिप्राइव चिल्ड्रन, इसको कौन फॉलो कर रहा है, द ईयर 1979 हैज बीन डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ चिल्ड्रन बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये हो जाएगा पी आर और एस, इसको बाद में भी लगा सकते हो, यहां पर भी लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, द ईयर 1979 हैज बीन डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ चिल्ड्रन विद द आइडिया टू रीच द डिप्राइव चिल्ड्रन बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन इससे अच्छा ये वाला है, पी आर एस क्यू, पी आर एस क्यू। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, पी आर एस क्यू, सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सीडीएस 2017 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, 31st, माई अनमैरिड आंट इज क्रिएटिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस हु स्टे विद अस बिकॉज ऑफ हर इंटरफेयरिंग नेचर इन आवर पर्सनल लाइफ एंड देर इज अ मिस अंडरस्टैंडिंग अमंग फैमिली मेंबर। अभी आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो देखा होगा कि माय अनमैरिड आंट को डिस्क्राइब किया जा रहा है जो हमारे साथ रहती हैं, है ना, हमारी जो अनमैरिड आंट हैं जो हमारे साथ रहती हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो क्यू से शुरू होगा, क्यू से शुरू होगा, तो सी और डी तो नहीं हो सकते। फिर अगर आप देखो कि इसको कौन फॉलो कर रहा है, माई अनमैरिड आंट हु स्टे विद अस, इसको कौन आगे बढ़ा रहा है, तब देखो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट की वर्ब देखो, ये हो गई यहाँ पर वर्ब, इज क्रिएटिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस, तो क्यू के बाद पी आएगा, हमें बी ऑप्शन में दिख रहा है। अगर बी ऑप्शन में दिख रहा है तो बी ऑप्शन को फॉलो करवा लो। तो माई अनमैरिड आंट हु स्टे विद अस इज क्रिएटिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस बिकॉज, ये लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं क्योंकि, बिकॉज ऑफ हर इंटरफेयरिंग नेचर इन आवर पर्सनल लाइफ, क्योंकि उनका जो इंटरफेयरिंग नेचर है हमारी पर्सनल लाइफ में, एंड देर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग फैमिली मेंबर, जिससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में। तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये क्यों हुआ है, क्यों हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ बी ऑप्शन को देखा है और सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। हमने ये देखा सबसे पहले कि जो स्टार्ट होगा सेंटेंस, जो स्टार्ट होगा वो क्यू से होगा, जिसकी वजह से दो ऑप्शन कट गए। उसके बाद देखा कि इसको, इसकी वर्ब कहाँ है, तो लीव बिकॉज तो हो नहीं सकती, ना ही एंड हो सकती है, तो इस क्रिएटिंग होगा, तो पी ही हो सकता है। बस बी वाले ऑप्शन को हम लोग ने यहाँ पर फॉलो करा लिया और आंसर आ गया। आगे चलते हैं, लिखा है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, वॉट्स ओवर शैल बी इनिशिएटेड और कॉन्टिन्यूड अगेंस्ट द प्रेजिडेंट और गवर्नर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज, किसके बारे में बात की जा रही है, किसी आदमी के बारे में बात की जा रही है या फिर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात की जा रही है। अभी यहाँ पर दो लोग हैं, एक प्रेसिडेंट है और एक गवर्नर है, तो यानी हमें ये पता है आर और एस के पहले तो पी ही आएगा, सॉरी बाद में आएगा, आर और एस के बाद में पी आएगा, आर एस के बाद में पी आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पी सबसे पहले आ रहा, तो ये तो नहीं हो सकता, आर इसके पहले आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, और अगर इसमें देखें तो आर के पहले ये भी हो सकता है लेकिन इसकी चांस कम है, ए वाले को फॉलो करवा लो, है ना। अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो ऑप्शन से डायरेक्ट हो रहे होंगे,
है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाट्स ओवर शैल बी इनिशिएटेड और कॉन्टिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और अ गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह क्या रहा है कि कोई भी प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती जो इनिशिएट हुई है या फिर कॉन्टिन्यू है, किसके अगेंस्ट में, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के अगेंस्ट में, कहां पर, एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज ऑफिस, जब तक ये दोनों यहां पर पावर में रहते हैं। ओके, आई होप ये चीज क्लियर होगी। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है द डेंटिस्ट विद अ सीवियर टूथ एक व्हेन ही वाज बॉट टू हॉस्पिटल एक्सट्रैक्टेड मनीष टूथ एंड रिलीव हिज पेन। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बॉट आया है, बॉट का मतलब लेकर के आया है। व्हेन ही वाज बॉट टू हॉस्पिटल, जब वो लेकर के आया है हॉस्पिटल, क्या लेकर के आया, एक्सट्रैक्ट मनीष टूथ, ये होगा क्या इसके बाद, क्यों के बाद ये आएगा क्या, नहीं आएगा। एंड रिलीव हिज पेन, ये भी नहीं होगा, ये होगा देखो विद सीवियर टूथ एक, कि वो ले, जब वो लेकर के आया जो अपने दांत का दर्द था वो, तो यानी क्यू के बाद पी आना चाहिए, क्यू के बाद पी कहाँ आ रहा है, ये नहीं होगा, पी पहले आ रहा है, ये हो सकता है क्यू पी, ये नहीं होगा, और क्यू पी ये हो सकता है। अभी दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। फिर से देखते हैं, अगर दो का हम लोगों ने काम तमाम कर दिया है पी और क्यू का, तो आर और एस को भी देख लेते हैं। देखा है द डेंटिस्ट एक्सट्रैक्टेड मनीष टूथ, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ढूंढो, इसकी वर्ब यही होगी एक्सट्रैक्टेड मनीष टूथ, तो यानी जो सेंटेंस है वो आर से शुरू होगा, यानी सेंटेंस आर से शुरू होगा, तो यही हो सकता है आर क्यू पी एस, द डेंटिस्ट एक्सट्रैक्टेड मनीष टूथ व्हेन ही वाज ब्रॉट टू हॉस्पिटल विद सीवियर टूथ एक एंड रिलीव हिज पेन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, 34 देखते हैं, लिखा हुआ है द एक्ट्रेस हैज बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट हीरोइन हु इज द डॉटर ऑफ फेमस मेल सिंगर ऑफ द ईयर। आपको यहाँ पर दिख रहा है एज द बेस्ट एज द बेस्ट हीरोइन ऑफ द ईयर, है ना, एज द बेस्ट हीरोइन ऑफ द ईयर, यानी क्यू और के बाद जो आएगा वो एस आएगा, क्यू के बाद एस कहाँ आ रहा है, ये क्यू के बाद एस आ रहा है, ये नहीं होगा, क्यू के बाद एस ये नहीं होगा, क्यू के बाद एस यहाँ आ रहा है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है ये हु से, हु इज द डॉटर ऑफ फेमस मेल सिंगर, जो कि डॉक्टर, जो कि डॉटर है किसकी, फेमस मेल सिंगर की, उसको सेलेक्ट किया गया है कैसे, एज अ बेस्ट हीरोइन ऑफ द ईयर, हो गया सिंपल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आर होगा, हु इज द डॉटर ऑफ फेमस मेल सिंगर हैज बीन सिलेक्टेड, पी हो गया, क्यू हो गया, एस हो गया, आर पी क्यू एस, आर पी क्यू एस, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 35 लिखा हुआ है लास्ट समर एवरी डे kept pestering a pretty girl on persistent admirer with phone call. Easy है ये भी, last summer, यानी पिछले समर, सब्जेक्ट ढूंढो, बिल्कुल one persistent admirer, यानी जो बहुत ज्यादा लगातार प्रशंसा करता है उस आदमी की बात की जा रही है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि ये सेंटेंस छोटा है तो इस तरीके से किया जा सकता है, ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब ढूंढो, kept pestering a pretty girl, पेस्टरिंग का मतलब होता है इरिटेट कर देना, बिल्कुल पीछे पड़े रहना, ठीक है, पेस्टरिंग अ प्रिटी गर्ल विद अ फोन कॉल, विद अ फोन कॉल एवरी डे, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, आर क्यू एस पी, क्या मीनिंग निकल रहा है इसका, कि लास्ट समर हर रोज जो ऐसा आदमी था जो हमेशा प्रशंसा करता रहता था, क्या पेस्टरिंग मतलब लगातार इरिटेट करता रहा किसको, एक प्रिटी गर्ल को फोन कॉल में, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, आर क्यू एस पी, आर क्यू एस पी कहाँ है, आर क्यू एस पी सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है पेस्टरिंग का मतलब इरिटेट करना। 36 लिखा हुआ है इन मैनी कल्चर टू मेक विशेस कम ट्रू दैट ब्लू हैज द पावर पीपल बिलीव एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो यहाँ पर हमें देख रहा है कि पीपल बिलीव, बिलीव को कौन फॉलो कर रहा है, बिलीव को फॉलो कर रहा है दैट, पीपल बिलीव दैट ब्लू हैज द पावर, पावर इसको कौन फॉलो कर रहा है, क्यू को फॉलो कर रहा है पी, पावर टू मेक विशेस कम ट्रू एंड, और इसके बाद इसे कौन फॉलो कर रहा है, एस फॉलो कर रहा है, एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ, इजी है, तो हो जाएगा आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस कहां पर है,
RQPS, सी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन मेनी कल्चर पीपल बिलीव दैट ब्लू हैज द पावर टू मेक विशेस कम ट्रू एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ। आगे चलते हैं 37 देखते हैं। लिखा हुआ है फ्रॉम अ पिकनिक टेबल थ्रू अ प्ले ग्राउंड वाइल वी अनपैक द बास्केट वी वॉच देम लाफ एंड लीप ब्लगिंग विद सैंडविच एंड कुकीज। तो अगर हम यहां पर देखें, अगर आर को पकड़ करके चलो, आर को पकड़ करके चलो, वी वॉच देम लाफ एंड लीप, हम लोगों ने उसको क्या देखा, हंसते हुए देखा था। लीप, लीप मतलब उछलते हुए। क्या होगा इसके बाद, इसको कौन फॉलो कर रहे हैं? वाइल्ड वी एंड पैक ब्लगिंग विद सैंडविच थ्रू अ प्ले ग्राउंड, थ्रू अ प्ले ग्राउंड यानी हम लोगों ने उसे खेलते हुए हंसते हुए देखा था और ग्राउंड में उछलते हुए देखा था। यानी आर के बाद तो पी ही आएगा, है ना, आर के जस्ट बाद तो पी ही आएगा, यहाँ पर बाद में आ रहा है तो ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है। आर के बाद पी यहाँ नहीं आ रहा है, आर के बाद पी यहाँ आ रहा है, ठीक है ये हो सकता है, आर के बाद पी यहाँ आ रहा है ये भी हो सकता है, यानी सी ओ डी में हमारा फोकस रहेगा। इन दोनों को देखो, वाइल वी अनपैक अ बास्केट बगिंग विद सैंडविच एंड कुकीज, बिल्कुल ये यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा, क्यू के बाद ऐसा आएगा, क्यू के बाद ऐसा यहाँ आ रहा है, क्यू के बाद ऐसा यहाँ पर है। अब ये आगे आएगा कि पीछे आएगा ये देखना है, आरपी के आगे लगेगा क्यू एस या फिर इसके पीछे लगेगा ये देखना है। तो फ्रॉम अ पिकनिक टेबल वाइल वी अनपैक अ बास्केट ब्लगिंग विद सैंडविच एंड कुकीज वी वॉच, तो ऐसा करो इसको पहले रखो, इसको पहले रखोगे तब यहाँ पर ये वाइल कनेक्ट करवाएगा, इजी हो जाएगा, ये इजी है। तो फ्रॉम अ पिकनिक टेबल वी वॉच देम लाफ एंड लीप थ्रू द प्ले ग्राउंड वाइल वी अनपैक अ बास्केट बगिंग विद सैंडविच एंड कुकीज, तो हो जाएगा आर पी क्यू एस। आर पी क्यू एस कहाँ पर है, आर पी क्यू एस सी ऑप्शन में, कि हम लोगों ने कहाँ से देखा, पिकनिक टेबल से देखा कि वो हंस रहा था और मैदान में, खेल के मैदान में लीप कर रहा था, मतलब उछल रहा था, जब हम लोग अनपैक कर रहे थे बास्केट जो सैंडविच और कुकी से भरा हुआ था, कुछ इस तरीके का सेंस निकल रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 38 लिखा हुआ है, माई फादर रिटायर्ड एट द एज ऑफ 68 वेयर ही हैड सर्व इन साउथ कैरोलिना एज पोस्टर फॉर 12 ईयर फ्रॉम अ बैप्टिस्ट चर्च, बिल्कुल रिटायर्ड एट द एज ऑफ 68 फ्रॉम बैप्टिस्ट चर्च वेयर ही हैड सर्व एज अ पोस्टर फॉर 12 ईयर, यानी पी के बाद तो आर ही आएगा, है ना, सर्वड एज, सर्व को कौन फॉलो, यानी पी को कौन फॉलो कर रहा है, आर फॉलो कर रहा है, तो पी के बाद आर आएगा, तो पी के बाद आर यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ नहीं आ रहा है, तो सी नहीं होगा, पी के बाद आर यहाँ आ रहा है, ठीक है, यानी एक ऑप्शन तो यहाँ से हट गया। और हमें पता है कि ये बिल्कुल इसके बाद में आएगा, फ्रॉम बैप्टिस्ट चर्च, यानी एस से शुरू होगा, एस से शुरू होगा तो सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन होगा। माई फादर रिटायर्ड एट एज ऑफ 68 फ्रॉम बैप्टिस्ट चर्च इन साउथ कैरोलिना वेयर ही हैड सर्व्ड एज अ पोस्टर फॉर 12 ईयर, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 39, लिखा है द कॉम्पिटिशन इट इनेबल्स एम्प्लॉय टू फील अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लीमेंट एंड मेक देम टेक प्राइड इन देयर वर्क ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ऑल्सो इनहेंस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बिकॉज, ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे, अभी देखो किसी एक को पकड़ लो, किसको पकड़ ले, अगर एस को पकड़ ले, देखो ऑल्सो इनहेंस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बिकॉज, बिकॉज के बाद क्या आ सकता है यहाँ पर, बिकॉज इट इनेबल, ठीक है, यहाँ पर मतलब कुछ प्राइड की बात हो रही है और अकॉम्प्लिशमेंट की बात हो रही है ना, फील ऑफ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट की बात हो रही है, तो बिकॉज, बिकॉज के बाद कहीं ना कहीं पी जाएगा, तो एस के बाद कहीं ना कहीं पी आ रहा है ना, अभी सिर्फ हम लोग ले करके चल रहे हैं अकॉम्प्लिश्ड एंड मेक देम, और इसकी, इसको जो आगे बढ़ा रहा है यानी पी को जो फॉलो कर रहा है वो फॉलो कर रहा है क्यों, इट इनेबल्स एम्प्लॉय टू फील अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एंड मेक देम, फील करवाएगा और मेक देम टेक प्राइड इन देयर वर्क, तो यानी एस के बाद P था और P के बाद Q है, तो R को छोड़ करके ये सीक्वेंस देख लो कहां बन रहा है, R को छोड़ दो हर जगह से, अब देखो SPQ, SPQ बन रहा है क्या,
नहीं, यहाँ पर SPQ नहीं, SPQ यहाँ बन रहा है, तो डी ऑप्शन बन सकता है। अब डी ऑप्शन को लेकर के यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा। डी ऑप्शन, द कॉम्पिटिशन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो बिल्कुल इसकी भी सिंकिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पर हो रही है, ये भी यहाँ पर सिंक कर रहा है। द कॉम्पिटिशन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, उसके बाद ऑल्सो इनहेंस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बिकॉज इट इनेबल्स एम्प्लॉय टू फील अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एंड मेक देम टेक प्राइड इन देयर वर्क। तो बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी तरीके से करो, लास्ट में आपका मीनिंग सही से निकलना चाहिए। अगर मीनिंग में कहीं गड़बड़ा रहा है तो उसको अटेम्प्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन तो थोड़ा बहुत बनी ही रहती है। यहाँ पर लिखा हुआ है बट, 40 लिखा हुआ है, बट कुआलालंपुर वेयर मॉडर्न मेले एग्जीक्यूटिव्स बट विल नेवर मिस फ्राइडे प्रेयर माइट हैव अ सेलुलर फोन इन हैंड इज अ सिटी फर्मली रूटेड इन ट्रेडिशन। तो यहाँ पर कुआलालंपुर क्या है, सिटी है, तो इसको डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे। कुआलालंपुर इज अ सिटी फर्मली रूटेड इन ट्रेडिशन वेयर, जहां पर इसको फॉलो कर रहा है पी, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। वेयर मॉडर्न मेले एग्जीक्यूटिव, मेले एग्जीक्यूटिव मतलब जो मलेशिया के अधिकारी हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, माइट हैव अ सेकुलर फोन इन हैंड्स, ठीक है, तो पी को फॉलो कर रहा है यहाँ पर आर, तो ये हो गया थ्री। कहाँ था, भूल गए, चलो फिर से देखते हैं। बट कुआलालंपुर इज द सिटी फर्मली रूटेड इन ट्रेडिशन, कुआलालंपुर ऐसी सिटी है जो फर्मली रूटेड है किससे, ट्रेडिशन से, जहां पर मॉडर्न जो मलेशिया एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, मेले एग्जीक्यूटिव है जो मलेशिया के अधिकारी हैं, माइट हैव अ सेलुलर फोन इन हैंड, उनके हाथ में क्या होता है, सेलुलर फोन होगा, बट विल नेवर मिस फ्राइडे प्रेयर, बिल्कुल यहाँ पर बन रहा है ये, लेकिन फिर भी वो मिस नहीं करते जो फ्राइडे की प्रेयर होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एस पी आर क्यू, एस पी आर क्यू कहाँ है, एस पी आर क्यू, ठीक है, इसको साफ कर देता हूँ, एस पी आर क्यू। जो कुआलालंपुर है वो ऐसी सिटी है जो फर्मली रूटेड है ट्रेडिशन के साथ, जहां पर जो मॉडर्न मलेशिया एग्जीक्यूटिव है, जो मलेशिया के अधिकारी हैं, उनके पास भले ही सेलुलर फोन हो हाथ में, लेकिन वो मिस नहीं करते फ्राइडे की जो प्रेयर होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, 41 लिखा हुआ है, परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इज अ फेल्योर ऑफ प्लानिंग एंड इन द ग्रोथ ऑफ ऑल मेट्रोपोलिटन क्राइम गवर्नेंस इन द अर्बन स्प्रॉल इंक्लूडिंग क्राइम अगेंस्ट द एल्डरली, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो दो क्राइम की बात की गई है, दो क्राइम की कौन सी बात की जाएगी, एक तो मेट्रोपोलिटन क्राइम की बात की गई है और एक क्राइम अगेंस्ट एल्डरली की बात की गई है, और आगे इंक्लूडिंग लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये वाला जो इंक्लूडिंग क्राइम अगेंस्ट द एल्डरली है, ये बाद में आएगा इसके, और इसके जस्ट बाद में आएगा, तो क्यू के बाद एस आएगा, कहाँ पर आ रहा है ये, क्यू के बाद एस, क्यू के बाद एस, ये भी हो सकता है, और क्यू के बाद एस, ये एस क्यू, यानी डी ऑप्शन तो नहीं होगा, यानी क्वेश्चन पी से शुरू नहीं होगा, होगा एक ऑप्शन है, ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या देखेंगे यहाँ पर, इन दोनों का काम तो हो गया क्यू और एस का, इन दोनों को देखो, इज अ फेल्योर ऑफ प्लानिंग एंड गवर्नेंस, बिल्कुल यहाँ पर ये चीज मिल रही है, प्लानिंग एंड गवर्नेंस इन द अर्बन स्प्रॉल, ठीक है। अब ये देखना है कि ये पहले आएगा, क्यूएस पहले आएगा कि पीआर पहले आएगा। अब पीआर की यहाँ पर हमने उन्होंने बना दिया इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, अब ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा, पढ़ो इसको। परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ ऑल मेट्रोपोलिटन क्राइम इंक्लूडिंग क्राइम अगेंस्ट इडरली, बिल्कुल, इज द फेल्योर, ये जो मेट्रोपोलिटन क्राइम हो रहे हैं, जो महानगरों में क्राइम हो रहे हैं, और ये जो क्राइम हो रहे हैं बुजुर्गों के अगेंस्ट में, इज अ फेल्योर, वो फेल्योर है किसका, प्लानिंग एंड गवर्नेंस, प्लानिंग एंड गवर्नेंस इन द अर्बन स्प्रॉल, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर कहाँ पर आ रहा है, क्यू एस पी आर ए ऑप्शन में आ रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ी देर देखना है, कुछ ऑप्शन में देखना है, कुछ अपना दिमाग लगाना है, और कुछ यहाँ पर कौन किसको फॉलो कर रहा है ये भी देखना है, ये सारी चीजों को एक साथ लेके चलोगे तो हो जाएगा। अगर ऑप्शन के भरोसे बैठोगे तो दिक्कत होगी, कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। 42 लिखा हुआ है, ही सेड दैट अ स्मॉल कॉलेज हिड रैदर गो टू नॉट स्टडिंग एट ऑल इंस्टेड ऑफ, तो यहाँ पर उसने कहा था दैट, कि अब यहाँ के बाद सब्जेक्ट ढूंढो, कहाँ है सब्जेक्ट, हिड रैदर गो टू, अब गो टू क्या क्या है,
गोटू को फॉलो कर रहा है पी, है ना, और ये हमारा सब्जेक्ट है। ही'ड रैदर गो टू अ स्मॉल कॉलेज, तो क्यू के बाद पी आएगा, क्यू के बाद पी कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, क्यू ये नहीं आएगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, इसको बाद में देखेंगे, है ना। क्यू पी, ही सेड दैट ही'ड रैदर गो टू अ स्मॉल कॉलेज इंस्टेड ऑफ नॉट स्टडिंग एट ऑल, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा आर। क्या मीनिंग निकल रहा है, मीनिंग ये निकल रहा है कि उसने कहा था कि पढ़ने के बजाय वो कहाँ जाएगा, वो स्मॉल कॉलेज में जाएगा, एक छोटे से कॉलेज में जाएगा। ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। 43 लिखा हुआ है, टीचिंग अ चाइल्ड सिंस देयर आर फ्यू इज बिकमिंग डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, ओपन बाउंड अराउंड हाउ टू स्विम। टीचिंग अ चाइल्ड, इसको कौन फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है इज बिकमिंग डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, यानी बच्चों को पढ़ाना डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होता चला जा रहा है ना, होता चला जा रहा है। सिंस, क्योंकि, है ना, सिंस का मतलब यहाँ पर क्योंकि, देयर इज अ फ्यू ओपन पॉन्ड्स अराउंड, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ ओपन पॉन्ड्स हैं, यानी खुले तालाब हैं। तो एस का क्या होगा, अभी आपने ये देख लिया कि क्यू पी और आर आएगा, अब एस को कहाँ पर बैठाना है, तो एस को छोड़ दो, ठीक है, एस को छोड़ दो। अब देख लो ये पैटर्न कहाँ पर बन रहा है, क्यू पी आर, क्यू पी आर यहाँ पर बन रहा है, क्यू यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं, ये ऑप्शन होगा, यानी सबसे पहले एस लगेगा। टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू स्विम, टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू स्विम इज बिकमिंग अ डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव सिंस देयर आर फ्यू ओपन पॉन्ड्स अराउंड, बिल्कुल ये ऑप्शन यहाँ पर बनेगा। आगे चलते हैं, 44 लिखा, द डॉक्टर एबल टू फाइंड आउट वॉट हैड कॉज्ड द फूड पॉइजनिंग हैड नॉट बीन। अब क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसका आंसर बता लोगे, इजी है। द डॉक्टर, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब, हैड नॉट बीन एबल टू फाइंड, नॉट एबल टू फाइंड, है ना, नॉट एबल टू फाइंड, वॉट हैड कॉज्ड, वॉट हैड कॉज्ड द फूड पॉइजनिंग, इजी है। क्या हो जाएगा, सबसे पहले एस पी क्यू आर, एस पी क्यू आर, एस पी क्यू आर, डी ऑप्शन हो गया, इजी था। 45 लिखा है, द ऑफिसर वॉज सस्पेंड बीइंग करप्ट फ्रॉम सर्विस बिफोर हिज डिसमल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द ऑफिसर वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विस, यानी पी के बाद तो आर आएगा, पी के बाद आर कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है पी के बाद आर, ये पी के बाद आर, ये नहीं होगा, ना ही ये होगा, दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन बचे। बीइंग करप्ट, बीइंग करप्ट क्या होगा, द ऑफिसर ही तो है, द ऑफिसर बीइंग करप्ट, जब वो करप्ट था तभी तो सस्पेंड किया गया है फ्रॉम द सर्विस, तो यानी क्यू इसके पहले आएगा, तो क्यू पी आर कहाँ बन रहा है, क्यू पी आर, क्यू पी आर ये बन रहा है, तो दोनों में यही चीज आ रही है, और आर को फिक्स करना है कि आर पहले आएगा यहाँ पे कि बाद में आएगा, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, द ऑफिसर बीइंग करप्ट वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विस बिफोर हिज डिसमिल, तो यहां तक का पूरा एक सेंटेंस हो गया है, उसके बाद बिफोर हिज डिसमिल लगेगा, एस आ जाएगा यहाँ पे, तो एस बाद वाला आएगा, यानी बी ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, 46, शी गेव हर ओल्ड कोट टू अ बैगर द वन विद द ब्राउन फर ऑन इट श्रीविंग विद कोल्ड। अभी यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो बैगर है, बैगर को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो ठंड के मारे कांप रहा था, ठीक है, और जो कोट है, जो ओल्ड कोट है वो कैसा है, वो ब्राउन फर लगे हुए उसमें, तो कोट के जस्ट बाद ये वाला सेंटेंस आएगा, यानी पी के जस्ट बाद आर आएगा और क्यू के जस्ट बाद एस आएगा, है ना। अभी यहां पर लिखा हुआ है शी गेव हर कोट, सॉरी शी गेव हर ओल्ड कोट, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि उसने अपना पुराना कोट दिया, उसने अपना पुराना कोट दिया, यानी सेंटेंस जो होगा वो पी से शुरू होगा, तो पी से शुरू होगा तो एस तो होगा नहीं, तो पी से शुरू होगा तो पी होगा, कोट के बाद आएगा हमारा ये द वन विद द ब्राउन फर ऑन इट, जिसके ऊपर ब्राउन फर लगे हुए थे, तो कोट के बाद आर आएगा, यानी पी के बाद आर आएगा, ठीक है, टू अ बेगर, फिर इसके बाद क्यू आएगा, फिर देन एस आएगा, है, तो पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस हो जाएगा, पी आर क्यू एस कहाँ पर आ रहा है, पी आर क्यू एस ए ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, द मेडिकल टीम एट द ग्राउंड सेड दैट द इंजर्ड बाय द सर्जिंग क्राउड इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रेन हु वाज ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल्ड का मतलब क्या होता है,
पूछ ले जाना। और सर्जिंग मतलब होता है, सर्जिंग मतलब होता है बढ़ती हुई क्राउड से, ठीक है, बढ़ती हुई क्राउड से। तो द मेडिकल टीम एट द ग्राउंड, अब इसको कौन फॉलो कर रहा है? मेडिकल टीम एट द ग्राउंड सेड, मेडिकल टीम ने ये कहा दैट द इंजर्ड, इंजर्ड को कौन फॉलो कर रहा है? दैट द इंजर्ड हु वाज ट्रैम्ड, जो ट्रैम्ड हुए थे, इसको कौन बता रहा है? इसको बता रहा है एस, हु वाज ट्रैम्ड बाय द सर्जिंग क्राउड। यानी हमें ये पता चल गया कि पी के बाद एस आएगा, फिर उसके बाद क्यू आएगा, यानी ये सीक्वेंस तो नहीं बिगड़ेगा, इसके आगे पीछे तो नहीं होगा, है ना। इंक्लूडिंग वुमेन और चिल्ड्रन कहाँ पर आएगा? चलो अच्छा, इसको देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या आ रहा है। आर को हटा दो, आर को हटा दे रहे हैं। पी एस क्यू देखो कहाँ पर आ रहा है, पी क्यू एस यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, और पी एस क्यू डी ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन देख लेते हैं। द मेडिकल टीम एट द ग्राउंड सेड दैट द इंजर्ड हु वाज ट्रैम्पल्ड बाय द सर्जिंग क्राउड इंक्लूडिंग वुमेन और चिल्ड्रन, जिसमें क्या थी, वुमेन और चिल्ड्रन भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। 48 लिखा हुआ है, ही एट द हर्डल्स ऑन हिज वे हु हैज हिज आई डज नॉट लुक फिक्स्ड ऑन गोल। अभी यहां पर देखो, लुक एट, यहां पर आपको कुछ दिख रहा है, लुक एट द हर्डल्स ऑन हिज वे, यानी आर के बाद तो पी आएगा, डज नॉट लुक एट द हर्डल्स ऑन हिज वे। और ये जो हु है ये किसको बता रहा है? ये ही को बता रहा है, यानी ही के बाद हु आएगा। ही को डिस्क्राइब किया जा रहा है, हु हैज हिज आई फिक्स्ड ऑन गोल डज नॉट लुक एट हर्डल्स ऑन हिज वे। तो ये हो जाएगा क्यू एस आर पी, यानी जो जिसकी आंखें गोल में फिक्स होती हैं वो विचलित नहीं होता जो उसकी हर्डल्स आती हैं उसके रास्ते में, है ना। तो क्यू एस आर पी हो जाएगा, क्यू एस आर पी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है, वी डू नॉट नो व्हेन बट वी नो द एग्जैक्ट डेट ऑफ हिज डेथ फॉर सर्टेन, शेक्सपियर वॉज बॉर्न। इजी है, वी डू नॉट नो व्हेन, सब्जेक्ट ढूंढो इसके बाद, शेक्सपियर वॉज बॉर्न बट वी नो द एग्जैक्ट डेट ऑफ हिज डेथ, इसको छोड़ दो, उसको बाद में देखेंगे। तो यानी सबसे पहले आएगा एस, शेक्सपियर वॉज बॉर्न बट वी नो द एग्जैक्ट डेट ऑफ हिज डेथ, पी और क्यू, कि हम नहीं जानते कि शेक्सपियर कब जिंदा हुए, कब पैदा हुए थे, लेकिन हम ये जानते हैं कि उनकी मरने की तिथि क्या थी, ठीक है। तो एस पी क्यू देख लो कहाँ पर आ रहा है, आर को छोड़ दो, आर छोड़ दो यहाँ से, एस पी क्यू पहले ऑप्शन आ रहा है, एस पी क्यू कहीं नहीं आ रहा है, ए ऑप्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। वी डू नॉट नो व्हेन द शेक्सपियर वॉज बॉर्न बट वी नो फॉर सर्टेन द एग्जैक्ट डेट ऑफ हिज डेथ, तो बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। 50 नंबर लिखा हुआ है, द पर्पस इज टू एडवांस नॉलेज, द टू हैव टू वर्क टूगेदर एंड डेसीमेट इट, अ यूनिवर्सिटी इज इशेंशली अ कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर। अभी यहाँ पर देखो बात की जा रही है, जो क्यू है यहाँ पर बात की जा रही है, द टू हैव, इसके पहले देखो किन दो लोगों की बात की गई है, द यूनिवर्सिटी इज इशेंशियल अ कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर, यानी इन दोनों लोगों की बात की गई है ना, कि जो इशेंशियली अ कम्युनिटी है इसकी, स्टूडेंट्स की और टीचर की, तो कहीं ना कहीं एस के बाद ही क्यू आएगा, पता चल गया। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि अगर इन दोनों का काम हो गया, इन दोनों को देखो, द पर्पस इज टू एडवांस नॉलेज एंड डेसिमेटेड, यानी पर्पस क्या है, एडवांस नॉलेज का वो है और उसको प्रसार प्रचार करना है, ठीक है। डेसिमिनेट मतलब होता है बहुत ज्यादा स्प्रेड करना है, तो यानी पी के बाद आर आएगा। और यहां से भी पता चल रहा है कि एस क्यू पी आर कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन पे, तो एस क्यू पी आर डी ऑप्शन में आ रहा है, यानी निकालो, द यूनिवर्सिटी इज इसेंशियली अ कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर, द टू हैव टू वर्क टुगेदर, उन दोनों को आपस में काम करना चाहिए। द पर्पस इज टू, पर्पस क्या है, एडवांस नॉलेज एंड डेसिमेटेड, एडवांस नॉलेज पाना और उसको प्रचार प्रसार करना, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, सीडीएस 1 2018, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल वर ज्वेलर्स ऑफ द फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ये तो इजी है, हो जाएगा आसानी से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर
वर ज्वेलर्स ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, या फिर एक सीधे से कर सकते हो, थोड़ी देर देखोगे हो जाएगा, या फिर अलग अलग टुकड़ों में भी कर सकते हो, फॉलो करा करके जैसे भी चाहो कर सकते हो, इजी है वैसे। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर वर ज्वेलर्स ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। तो SPRQ यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, 12 नंबर लिखा हुआ है, ड्रेस फैशन चेंज एंड लाइट कॉटन ऑफ द इंग्लिश टेक्सटाइल बिगेन टू रिप्लेस द कोर्स वॉलन। अभी यहां पर बताओ दो चीजों में बात की जा रही है कि नहीं बात की जा रही है। अगर मैं इसको हटा देता हूं और अगर इस पे फोकस करो, रिप्लेस किस पे रिप्लेस हो रहा है, जो लाइट कॉटन है ये या तो कोर्स वॉलन में रिप्लेस हो रहा है, या फिर ये कोर्स वॉलन लाइट कॉटन में रिप्लेस हो रहा है। या तो एस पहले आएगा पी बाद में आएगा, या तो पी पहले आएगा एस बाद में आएगा, किसके, आर के, बीच में आर आएगा, है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर टेक्सटाइल लिखा हुआ है, तो क्या कोर्स वॉलन टेक्सटाइल होती है कि कॉटन की टेक्सटाइल होती है? तो हमें पता है कॉटन की टेक्सटाइल होती है ना। क्यू को तो कहाँ फिट करेंगे, तो क्यू को फिट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि कोर्स वोलन किसके, कोर्स वोलन ऑफ द इंग्लिश, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा ये। तो लाइट कॉटन टेक्सटाइल बिगेन टू रिप्लेस द कोर्स वोलन ऑफ द ब्रिट ऑफ द इंग्लिश, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले सबसे पहले पी आएगा, ड्रेस फैशन चेंज एंड लाइट कॉटन टेक्सटाइल बिगेन टू रिप्लेस द कोर्स वॉलन ऑफ इंग्लिश। तो हो जाएगा पी आर एस क्यू। पी आर एस क्यू कहां पर आ रहा है, पी आर एस क्यू ए ऑप्शन में आ रहा है, तो ए ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, 13 नंबर देखते हैं, लिखा हुआ है, पुट प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट इंडियन गुड्स इन इंग्लैंड द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर टू रेस्ट्रिक्ट एंड प्रोहिबिट। अभी यहां पर हमें ये दिख रहा है, पुट प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट, क्या करने के लिए, टू रिस्ट्रिक्ट एंड प्रोहिबिट। तो यानी पी के बाद एस आएगा, पी के बाद एस कहाँ आ रहा है, पी के बाद यहां एस आ रहा है, ये नहीं होगा, ये भी होगा, ये हो सकता है क्योंकि पी के बाद एस आ रहा है, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए। अब यहां पर देखो लिखा था पुट प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट, ऑन देयर गवर्नमेंट, क्या ये पहले आएगा कि आर पहले आएगा, पी के पहले क्या आएगा, इंडियन गुड्स इन इंग्लैंड पुट प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर, बिल्कुल आएगा ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर पुट प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट एंड प्रोहिबिट इंडियन गुड्स इन इंग्लैंड। क्यू सबसे बाद में आएगा, क्या हो गया, आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू कहाँ है, आर पी एस क्यू, सी ऑप्शन हो जाएगा। इजी है तो छोटे छोटे हैं। आगे देखते हैं, हाउ एवर स्टिल हेल्ड देयर ओन इन फॉरेन मार्केट इन स्पाइट ऑफ दीज लॉज इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल। बहुत इजी है, इन स्पाइट ऑफ कहाँ से शुरू होगा, इन स्पाइट ऑफ सबसे आगे लगता है, इन स्पाइट ऑफ हो गया इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखा तो एस हो गया, पी को भी छोड़ो ये तो कहीं भी फिट हो जाएगा, स्टिल हेल्ड देयर ओन इन फॉरेन मार्केट हो गया क्यों, ये देख लो कहां पर बन रहा है, आर एस क्यू, आर एस क्यू यानी पी को अभी छुपा लो, पी को छुपने छुपा लिया, आर एस क्यू, आर एस क्यू, आर एस क्यू, आर एस क्यू, ये आर एस क्यू बन रहा है, डी ऑप्शन हो गया। अब कहां पर फिट करना है, टेक्सटाइल के बाद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ दीज लॉज हाउएवर, है ना, हाउ एवर इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल स्टिल हेल्ड देयर ओन इन फॉरेन मार्केट। इजी है, आगे चलते हैं, इसको तो आपको खुद करना चाहिए। लिखा हुआ एंड इट लेड टू रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म द ब्रिटिश सोसाइटी इन अ फंडामेंटल मैनर। यहां पर तो अभी दिखाई दे रहा है कि आर के बाद एस आ रहा है, ट्रांसफॉर्म द ब्रिटिश सोसाइटी इन अ फंडामेंटल मैनर, आर के बाद एस आ रहा है, देखो आर के बाद कहाँ एस आ रहा है, ये नहीं होगा, आर के बाद एस यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और ये भी नहीं होगा, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब यहाँ पर लिखा है इट लेड, तो इट क्या है, इट है हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना। तो पहले क्यू आएगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म द ब्रिटिश सोसाइटी इन अ फंडामेंटल मैनर एंड, तो यानी आर हो गया एस हो गया, एंड इट लेड टू रैपिड इकोनॉमिकल
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्यू आर एस पी। क्यू आर एस पी कहाँ है? इजी है, तो सारे इजी हैं। 16 नंबर लिखा हुआ है, मोहम्मद इकबाल द फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस आउटलुक ऑफ पीपल थ्रू हिज पोएट्री प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। अभी देखो, मोहम्मद इकबाल के बारे में ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद इकबाल क्या है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया है, यानी इसी से शुरू करना है। ठीक है, इन दोनों का काम हो गया। अभी इनको देखो, आर और क्यू को, प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड, अभी ये सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट को यहाँ पर इसको क्लासिफाई किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है। उसके बाद वर्ब ये है, प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड व्हाट? फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस आउटलुक ऑफ पीपल थ्रू हिज पोएट्री। ठीक, तो आर के बाद तो क्यू आएगा। देखो आर के बाद क्यू कहाँ आ रहा है, क्यू आ रहा है यहाँ पे, हटा दो, आर के बाद क्यू है। ठीक है, आर के बाद क्यू है। ठीक है, आर के बाद क्यू है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, पहला वाला तो नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पर हमें आर क्यू मिल गया। अभी देखो, मोहम्मद इकबाल पहले आएगा कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया आएगा। अगर इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर कुछ होता, जैसे इज एम आर होता, इस तरीके की चीजें होती, तो ठीक होता, मोहम्मद इकबाल पहले आता। लेकिन यहाँ पर इनके बारे में बताया जा रहा है और कॉमा लगा करके यहाँ पर चीज चलेगी, तो क्या हो, किस तरीके से लिखा जाएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया कॉमा, फिर आएगा इनका नाम मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो पहले एस होगा, फिर पी होगा, मोहम्मद इकबाल प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड द फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस आउटलुक ऑफ पीपल थ्रू हिज पोएट्री। तो एस पी आर क्यू कहाँ पर है, एस पी आर क्यू डी ऑप्शन में है, डी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, 17 नंबर लिखा है, टू एक्सेप्ट एनी ऑफ इंपॉर्टेंट डिसएलिस्मेंट डिमांड ऑफ नेशनलिस्ट प्रोड्यूस्ड द फेलियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिख रहा है किससे स्टार्ट होगा, एस से स्टार्ट होगा, है ना, फेलियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसको कौन फॉलो कर रहा है, यानी इसके बाद क्या आएगा, पी फॉलो कर रहा है इसे, द फेलियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करना, टू एक्सेप्ट एनी ऑफ इंपॉर्टेंट व्हाट डिमांड्स ऑफ नेशनलिस्ट प्रोड्यूस्ड। तो यानी एस पी आर ये जहां पर दिख जाए वही ऑप्शन हो जाएगा। क्यू को हटा दो अभी के लिए, तो एस पी आर ए ऑप्शन में आ रहा है, और एस पी आर एस आर पी आ रहा है, एस पी आर और कहीं आ रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, फिर से देख लेते हैं, एस पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। द फेलियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट एनी ऑफ इंपॉर्टेंट डिमांड्स ऑफ नेशनलिस्ट प्रोड्यूस्ड डिस इल्यूसमेंट। बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, मीनिंग निकालोगे क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। 18 नंबर लिखा हुआ है, शोड दैट बैकवर्ड्स द राइज ऑफ मॉडर्न जापान आफ्टर 1868 एशियन कंट्रीज कुड डेवलप इटसेल्फ विदाउट वेस्टर्न कंट्रोल। ये तो बहुत ज्यादा ईजी है, कहीं कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। द राइज ऑफ मॉडर्न जापान आफ्टर 1868 शोज दैट द बैकवर्ड एशियन कंट्री कुड डेवलप इटसेल्फ विदाउट वेस्टर्न कंट्रोल। क्यू आर पी एस, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से सजा सजाया है यहाँ पर, क्यू आर पी एस। अभी इसका आंसर आप लोग बताओगे, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसके बाद एक और करेंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा बड़ी हो गई वीडियो। 20 नंबर देखते हैं, लिखा हुआ मिस्टर जॉन हु वॉज हार्डली 6 मंथ ओल्ड चार्ली एज हिज सन एडॉप्टेड। ये भी बहुत ईजी है, मिस्टर जॉन एडॉप्टेड, अब यहाँ पर हु क्यों नहीं आया, हु इसलिए नहीं आया क्योंकि आगे पढ़ो, हार्डली 6 मंथ ओल्ड, 6 मंथ ओल्ड है, जॉन नहीं है, कौन है, चार्ली है जिसको ये अडॉप्ट करने वाला है। तो यहाँ पर बोला जाएगा मिस्टर जॉन एडॉप्ट चार्ली एज हिज सन हु वॉज हार्डली 6 मंथ ओल्ड। क्या बोलेंगे, एडॉप्ट चार्ली एज हिज सन हु वॉज हार्डली 6 मंथ ओल्ड, तो एस क्यू आर पी हो जाएगा। एस क्यू आर पी कहाँ, एस क्यू आर पी ए ऑप्शन हो जाएगा। अभी हम लोगों ने सीडीएस 1 2015 से लेकर के सीडीएस 1 2018 तक डिस्कस कर लिया, यानी आधे हो गए हैं, आधे और बाकी हैं, उसको सेकंड पार्ट में करेंगे। सो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।